आपला पप्पा याच्यात नाही दिसत सर, प्लीज थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखिए आप लोग, थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखिए आप लोग। आज का ये विषय बड़ा सुंदर है और इस विषय का बहुत स्वागत है। एक बार ये विघ्नेश सर का मीट करना सर, एक बार सर आप देखना, आवाज कर रहा है रिपीट। हाँ जी अब क्लियर है। अब विघ्नेश सर को, सर विघ्नेश सर को सर एक बार ना विघ्नेश सर बाहर निकल के दोबारा से ज्वाइन करना है सर उसको, और वो हेडफोन यूज करें सर, उसकी वजह से उनका जो लैपटॉप है वो साउंड रिपीट कर रहा है सर उसमें। ओके ओके, नाउ आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर। चलिए बिल्कुल क्लियर सर, बोलिए सर। थैंक यू। ओके ओके, चलिए आप सभी का स्वागत है आज के इस नेशनल वेबिनार में, और बड़ा ही रुचिकर टॉपिक है। बहुत सारे प्रश्न भी रहेंगे, बहुत सारी जिज्ञासाएं रहेंगी, और बहुत सारे ऐसे हमें उत्तर भी मिलेंगे जो हमें आगे के लिए प्रश्न देंगे। और विषय जैसे कि आप इसके ऊपर सीधा देख पा रहे हैं, हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी इश्यूज एंड पॉसिबिलिटीज। सामान्य रूप से हम सभी लोग ये समझते हैं कि जब इस तरह का विषय हो इतिहास और मिथक विज्ञान, तो हमें लगता है कि इश्यूज के साथ साथ जो है वो चैलेंजेस होंगे। हमारा सीधा जो एक माइंडसेट बना हुआ है, वो माइंडसेट क्या बना हुआ है कि हम इश्यूज एंड चैलेंजेस की ओर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि इश्यूज एंड पॉसिबिलिटीज। इस कोरोना टाइम्स में जो हमें ये संभावनाएं मिली हैं विभिन्न विषयों को एक साथ जोड़ना, उसमें नई संभावनाओं को खोजना, तो ये उसी का एक परिणाम हम देखने में आ रहे हैं, देखने में आ रहा है। हिस्ट्री बिल्कुल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है, रैशनलिस्ट तौर पे पढ़ाया जाता है, और माइथोलॉजी जो है उसको हम मान लेते हैं कि एक मिथ्या के साथ जोड़ देते हैं कि ये एक कपोल कल्पना है और मानी हुई बातें हैं, विश्वास की बातें हैं, श्रद्धा की बात हो सकती है। लेकिन जब आप इन दोनों की अंतरधाराओं को देखते हैं, इन दोनों के स्ट्रक्चर को देखने लगते हैं और इसको गहरे में जब स्टडीज करने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों में बहुत सारी ऐसी समानताएं हैं जहां दोनों एक दूसरे का बहुत सारा हित कर सकते हैं, और दोनों अगर एक दूसरे का हित कर सकते हैं तो उससे मनुष्य की ज्ञान दृष्टि जो है निश्चित रूप से व्यापक होगी ही होगी। अब यहां पर आप जो स्लाइड देख पा रहे हैं उस स्लाइड में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं मुख्य वक्ताओं का परिचय दूं और डॉक्टर वाजपेयी जी को आमंत्रित करूं, एक स्लाइड में जरूर आप लोगों के साथ दिखाना चाहता हूं कि ये इस तरह के विषय जो हैं वो हमारे भीतर एक किस तरह के भाव को और विचार को प्रदर्शित करते हैं। इतिहास अनिवार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, हर जाति के लिए, हर देश के लिए, हर समाज के लिए इतिहास उसकी अनिवार्यता है, लेकिन उस इतिहास की अपर्याप्तता से भी हम सभी परिचित हैं। वो क्या है कि इवन टुडे वी इंडियंस बियर द बर्डन ऑफ मेकिंग रामायण एंड महाभारत हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक। वी डू पॉइंट टू आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन द्वारिका एंड स्टिल फील वी आर आंसरेबल टू वेस्ट। वी हैव टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ राम एंड कृष्ण इन साइंटिफिक टर्म्स इन ऑर्डर टू जस्टिफाई अवर फेथ एंड ट्रेडिशन। कितनी अजीब सी बात है कि कोर्ट में केसेस चल रहे हैं कि वे राम थे कि नहीं थे, और फिर अब वो प्रूव कर दिया है, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, अब हिस्टोरियन की वहां स्थिति क्या बनती है। ये बहुत सारे प्रश्न इस तरह के हमारे सामने उभर कर आएंगे जिनको डॉक्टर विघ्नेश कुमार जी डील करेंगे। दूसरी जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उससे पहले कि डॉक्टर वाजपेयी जी को आमंत्रित करें, द कैजुअलिटी ऑफ द क्रिएशन ऑफ डायकॉटमी बिटवीन हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी इज द अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बोथ, बट दे आर नॉट डायकॉटमस, दे हैव मच इन कॉमन। ये लेक्चर हुआ था जब डॉक्टर सुदर्शन राव ने ये बात
जो कि ICHR के तब डायरेक्टर थे, उन्होंने ये लेक्चर दिया था और उसको फिर कोट किया था प्रोफेसर हरवंश मुखिया ने, जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट JNU से हैं, और ये हिंदू में प्रिंट हुआ था। तो ये दो पक्ष मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं और मैं आगे चल के थोड़ा सा और भी स्पष्ट करूंगा अपनी बात, लेकिन उससे पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रिंसिपल डॉक्टर प्रमोद वाजपेयी जी को, जो महाराजा अग्रसेन कॉलेज जगाधरी के प्राचार्य हैं, कि वो आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं और जो प्रतिभागी हैं उन सभी का वो स्वागत करें और विषय के बारे में अपनी बात हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद अंगिरस साहब, आप सभी का इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो वेबिनार हो रही है और चर्चा परिचर्चा भी होने की संभावना है, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। आई एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? मेरी आवाज साफ आ रही है सभी मित्रों को? जी 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 सर, लाउड एंड क्लियर। आप सभी का इसमें स्वागत है, अभिनंदन है, और तमाम परेशानियों के बावजूद अंततः हम लोग ये वेबिनार आयोजित करने में सफल हो सके हैं, और इस वेबिनार में जो प्रतिभागीगण हैं मैं उनका सभी का स्वागत करता हूं, और जो हमारे अतिथिगण हैं जिसमें प्रोफेसर विघ्नेश कुमार जी एंड प्रोफेसर काशीनाथ पंडिता जी, मैं दोनों का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके साथ ये जो आगे की यात्रा है घंटा डेढ़ घंटे की, ये बहुत ही उपादेय और बहुत ही फ्रूटफुल होगी हमारे लिए। जो हमारे दोनों विषय विशेषज्ञ हैं वो अपने आप में बहुत ही योग्य और अत्यंत पहुंचे हुए हैं अपने फील्ड में, दे आर अचीवर्स इन देयर ओन राइट, और हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ ये जो यात्रा होगी ये बहुत ही सुखद और बहुत ही सीखने वाली होगी। मित्रों, इतिहास को लेकर भ्रांतियां हैं, इतिहास जिस रूप में हमारे सामने आ रहा है उसको कहा जा रहा है कि एक साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक रचना है, और जो जिसको मिथक कह दिया गया है बड़े आराम से, जिसमें रामायण महाभारत और संस्कृत साहित्य और जो हमारे लोकल भाषाओं में लिखे गए साहित्य हैं उन सबको समाहित किया जाता है, तो उनको एक तरह से मिथक मानकर डिस्कार्ड कर दिया गया है। मेरे दो तीन टेक हैं इसमें, और पहला ये है कि इतिहास का जो लेखन है वो स्वतंत्र नहीं है। वास्तव में इतिहास जो भी सत्ता में शीर्ष पर बैठे हुए लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से लिखवाया, अपने इतिहास लिखने वाले रखे, और उन्होंने जैसा उन्होंने चाहा उस तरह से उन्होंने इतिहास लिखा। एक कहावत है कि अगर शेरों को उनके कहानी या इतिहास कहने वाले नहीं होंगे तो उनको जो शिकारी हैं उनकी वीरता की कहानियां सुननी पड़ेंगी। वो यही रहा है कि हमारे देश में जो स्रोत कार्यकर्ता हैं या स्रोत लेखक हैं वो वास्तव में विदेश, ज्यादातर विदेशी हैं, और हमारे जो देश में इतिहासकार हैं, इतिहास लिखने वाले लोग हैं, वो भी विदेशी इतिहासकारों से ज्यादा प्रभावित रहे हैं। कहीं पर अगर द्वंद की स्थिति है और विदेशी इतिहासकार ने कुछ लिख दिया है तो हमारे भारतीय इतिहासकारों ने वहां समर्पण किया है, और बजाय इसके कि उन्होंने अपनी रिसर्च करके और अपना शोध करके और तह तक जाके उसको सही दिशा में आगे बढ़ाते इतिहास के लेखन को, इतिहास के प्रस्फुटन को, लेकिन ऐसा कब देखने में आया है। मैं इतिहास का विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन जो थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा उसमें मेरे समझ में नहीं आया कि जो कुछ हमारे आसपास इतिहास है उसकी कोई चर्चा परिचर्चा हुई हो। जो हमारे देश में तमाम तरह का इतिहास भूगोल प्राप्त होता है, जिनकी चर्चा परिचर्चा दैनंदिन समय में हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते हैं, उसको हमेशा के तौर पर मिथक मान लेना ये उचित नहीं है। हरबंस मुखिया के जिस लेख को हमारे साथी आशुतोष जी ने उद्धृत किया है, उसी लेख में उन्होंने लिखा है कि मिथक को
एस्टेब्लिश करने के कोई साधन हमारे पास नहीं है, और मिथक को कई लोगों ने कई तरह से कहने की कोशिश की है, लेकिन बाद में वही अपनी बात को काटते हैं और कह रहे हैं कि ये तो इतिहास के साथ भी होता रहा है और इतिहास में भी कई लोग अपनी तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं। आफ्टर ऑल इतिहास किस आधार पर आगे बढ़ रहा है? जो खुदाइयां हो रही हैं, चाहे वो अभी हिसार में राखीगढ़ी की खुदाई हो, इससे पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो हम लोग पढ़ते रहे हैं। मैं उदयपुर में रहा हूं और वहां पर बालाथल और आहाड़ की सभ्यताएं बहुत ही प्रोमिनेंटली पढ़ाई जाती रही हैं, और जब मैं वहां पर था तो 90 से लेकर 2000 तक 8-10 साल का एक्सकवेशन बालाथल में चला, और उसको करीब 2000 से लेकर 2000 BC तक का समय काल निर्धारित किया गया कि बालाथल भी एक सभ्यता थी। जब राखीगढ़ी की अभी बात हुई और पीछे दिनों एक्सकवेशन हुए, तो यहाँ भी बताया गया कि ये 2000 से लेकर 3000 BC की इशू ये है कि जब इतिहास एक सब्जेक्ट नहीं है, इतिहास ये ऑनगोइंग सब्जेक्ट है, इसमें हमारे जो सबूत आते रहते हैं, साक्ष्य आते रहते हैं, उस तरह से इतिहास बढ़ता रहता है। मेरा इसमें एक टेक है कि जो इतिहास है वो अनिवार्य रूप से इतिहास लिखा गया है। जो हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास लिखा जाना चाहिए था, जो आर्थिक इतिहास लिखा जाना चाहिए था, वो गायब है, वो कहीं लिखा नहीं गया। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से हम राजनीतिक इतिहास को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, उसी तरह से क्या हम अपने सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते? मैं उदाहरण के लिए लेता हूं, मैं एक बार महाराष्ट्र में एक शोध के सिलसिले में गया हुआ था, और वहां हमें एक ऐसी जगह पर ले जाया गया, कहा यहां से जो एक सुरंग गई है और वो सुरंग सीधे किष्किंधा में निकलती है, तो किष्किंधा मतलब कर्नाटक में, तो यहां से और बहुत थोड़ी दूरी पर चलना पड़ता है, भगवान राम इसी सुरंग के रास्ते से गए थे। अगर वहां पर समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र में सेतु बंधन हुआ था, तो हमारे देश के लोगों ने तो खंडित कर दिया था कि सेतु बंधन नहीं हुआ और ये काल्पनिक कहानी है, परंतु नासा के सैटेलाइट द्वारा ये पाया गया कि वहां पर एक मैन मेड स्ट्रक्चर रहा था जो अब डूब गया है। इसी तरह से द्वारिका की बात है कि द्वारिका को लोगों ने मिथक मान के हटा दिया, लेकिन समस्या ये है कि अब वो द्वारिका जी वहां पर समुद्र में मिली है। दिक्कत ये है कि जो इतिहासकार हैं वो एक अपने बनाए हुए प्रकोष्ठ में हैं, शेल में हैं, और वो शेल से निकलना नहीं चाहते। अगर वो शेल से नहीं निकलेंगे तो भारत का जो 90-95% या 98% इतिहास छूटा हुआ पड़ा है और जिसको इन्होंने मेन स्ट्रीम में नहीं लिया, जिसकी जानकारी हमारे नई पीढ़ी को नहीं हो रही है, उससे हमारी नई पीढ़ी सदा सर्वदा के लिए वंचित रह जाएगी। तो जिस प्रकार का शोध इतिहास को लेकर लिखने के लेकर हुआ है, उसी तरह का शोध और प्रमाणीकरण अगर हमारे जिनको इन्होंने मिथक कहा, हम तो मिथक नहीं कहते, हम तो अपना साहित्य कहते हैं, कि ये जो हमारा पुरातन साहित्य है, चाहे वो महाभारत के रूप में हो, रामायण के रूप में हो, पुराणों के रूप में हो, अगर इसका साक्ष्य मिलता है, जैसे कुरुक्षेत्र का साक्ष्य मिलता है, कुरुक्षेत्र में जो महाभारत में वर्णित सभी जगहें हैं उन सभी का आप प्रमाणीकरण आज की तारीख में कर सकते हैं। अगर गंधार की बात कर रहे हैं तो गंधार आज भी है, जिसको अफगानिस्तान कहते हैं। मैं एक बार बिहार गया था, वहां सासाराम एक जगह है, और वहां पर हमारे जो होस्ट थे वो मुझे दिखाने के लिए ले गए थे और कहने लगे कि ये जरासंध का किला है, जरासंध की ये जगह है। तो मतलब ये है कि आज मगध वही का वही है, कहीं गायब नहीं हुआ है। आज जरासंध का राज्य वही का वही है, गायब नहीं हुआ है। आज मथुरा वही का वही है, हस्तिनापुर भी है। तो अगर हम उसका प्रमाणीकरण कर सकते हैं तो हम उसको इतिहास में क्यों नहीं ले सकते? इशू ये है। लेकिन यहाँ पर एक तरह का बैरियर है, और वो बैरियर है आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल बैरियर की भेंट चढ़ गया है हमारा जो इतिहास के लेखन का काम है और इतिहास को आगे बढ़ाने का काम है। और वास्तव में होता क्या है कि जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं वो एक विशेष प्रकार का इतिहास नई पीढ़ी को पढ़ाना चाहते हैं। खास तौर से दो तरह का इतिहास मान लें,
एक तरह का इतिहास जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में है और एक तरह का इतिहास जो जनश्रुतियों में है। जनश्रुतियों का इतिहास सही होते हुए भी समाहित नहीं किया गया और टेक्स्ट बुक्स में वो इतिहास समाहित किया गया जिसको हमारे 87 लोग चाहते थे। तो समस्या यहाँ पर ये है कि आज सन 2016 में जो हमारे YS राव साहब थे, जिसकी चर्चा आशुतोष जी ने जिनका रेफरेंस दिया है, उन्होंने कहा था कि हम जो भारत में जनश्रुतियां हैं, फोकलोर्स हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ हैं, उनको भी हम इतिहास में समाहित करेंगे और इस पर हम शोध को प्रोत्साहित करेंगे। बस इस बात को लेकर जितने भी हमारे इतिहास के खास तौर से वामपंथी रुझान के लोग थे, वो सब एक तरह से समस्या में आ गए और उन्होंने अखबारों में विश्वमन करना शुरू कर दिया। वो विश्वमन अभी तक जारी है। हम कहते हैं, मेरा एक पर्टिकुलर टेक है कि आप इतिहास किन कसौटियों पर, तथ्यों को किस कसौटियों पर कस के लिखते हैं, वही कसौटियां आप जिनको मिथक कह के आपने नकार दिया है मत नकारिए, वही कसौटियों का इस्तेमाल आप उन परंपराओं को, उन जनश्रुतियों को, उन जो हमारे साहित्यिक ग्रंथ हैं उनमें जो वर्णित चरित्र हैं उनके ऊपर लगाइए। अगर वो सिद्ध होते हैं तो उनको इतिहास में लीजिए, अगर वो सही सिद्ध नहीं होते तो इतिहास में मत लीजिए। इस बात को लेकर वही हरबंश मुखिया जी का एक कुतर्क उसी लेख में, जिसकी चर्चा हिंदू में जो छपा था और जिसकी चर्चा आशुतोष अंग्रेज जी ने की, उन्होंने कहा कि राम जी को तो आप कल्चरल आइकॉन ही रहने दीजिए, अगर उनको आप ऐतिहासिक आइकॉन बनाएंगे तो वो एक इतिहास के फुटनोट में दब के रह जाएंगे। ये कुतर्क है क्योंकि आप उसको इतिहास मान ही नहीं रहे हैं आज तक। यद्यपि वहां पर तमाम आस्था है लोगों की, तमाम तरह के वहां पर साक्ष्य और सबूत हैं, तमाम तरह के अभी जब वहां पर खुदाई हो रही प्रकार के वहां पर प्रमाण हमें मिल रहे हैं, तो इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि उनको कल्चरल ही रहने दीजिए, इतिहास में मत लाइए, क्योंकि आप शायद एक विशेष ग्रंथि से प्रभावित हैं और उस ग्रंथि को आप तोड़ना नहीं चाहते। यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ द शेल, दैट इज द प्रॉब्लम। तो आज 21वीं शताब्दी का भारत है और इसमें जो हमारी जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, दे वांट टू गो टू देयर रूट्स। उनको अपनी जड़ों की जानकारी चाहिए, उनको जड़ों तक पहुंचना है, उनको अपने जड़ों के बारे में एक प्रामाणिक जानकारी चाहिए जिसको वो अपने पढ़ना पढ़ाना चाहते हैं, जिस पर वो गर्व करना चाहते हैं। चाहे वो सिकंदर द ग्रेट की बात हो, चाहे वो अकबर द ग्रेट की बात हो, चाहे वो अशोका द ग्रेट की बात हो, हमने देखा कि जो वेस्टर्न राइटिंग्स या जो आउटसाइड कंट्री राइटिंग्स हुई हैं उनसे हमारा देश का इतिहास प्रभावित है और जो हमारे देश में तमाम तरह का इसी संबंधों में साहित्य तो उपलब्ध है उनकी चर्चा परिचर्चा नहीं की गई है। तो इसी विषय को मैं अपने जो प्रमुख वक्ता हैं प्रोफेसर विघ्नेश कुमार जी उनके लिए और प्रोफेसर काशीनाथ जी के लिए छोड़ना चाहता हूं कि वो इसको आगे ले जाएं और मैं जो हमारे जो इसमें प्रतिभागीगण जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है कि हम इतिहास को इतिहासकारों के भरोसे न छोड़ें। पंचायत से लेकर जिले से और प्रदेश तक लेकर जो जहां है अपनी अपनी जगह का इतिहास लिखे, उसका कोडीकरण करें और उसका साक्षीकरण करने के बाद में उसको मेन स्ट्रीम में लेके आए। जो ये बहुत आसान हो गया है सोशल मीडिया के चलते, जो वर्ल्ड वाइड वेब के चलते, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है उसके चलते ये बहुत आसान हो गया है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, अभी हमारे यमुनानगर में एक चक्र बनाया गया और वो कहा गया कि जो अशोक चक्र है वो यहाँ से प्रेरित है और तमाम जगह से लोहा और सब इकट्ठा करके एक गाँव है पास में अभी यमुनानगर के, वहाँ पर वो सबसे बड़ा अशोक चक्र की रचना हुई है वहाँ पर, और वो इतिहास जो भुला दिया गया था उस इतिहास को फिर से जीवंत करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर बुद्धा के स्तूप हैं यमुनानगर जिले में जिनको भुला दिया गया। तो हम सभी लोगों को जो जुड़े हुए हैं, जो इतिहास से संबंधित हैं या इतिहास से संबंधित नहीं हैं, उन सबका मैं आह्वान करता हूं कि उनके आसपास जो इतिहास बिखरा पड़ा है उसको साक्ष्य सहित
समेटें और माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसको आगे लेके आए और उसको जरूर मेन स्ट्रीम इतिहास में जगह मिलेगी। ये एक बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि बहुत हो चुका राजनीतिक इतिहास का लेखन, अब सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास भी लिखा जाना चाहिए जो एक तरह से लुप्त प्राय हो गया है। हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृतियां, हमारी नृत्य विधाएं, हमारी तमाम तरह की अन्य विधाएं, आर्ट फॉर्म्स, वो सब लुप्त होते जा रहे हैं। और जो कुछ एक आर्ट फॉर्म जिनको सरकार ने बड़े प्रयास करके रिवाइव किया है वही आगे आ रहे हैं। तो ये सब इतिहास का हिस्सा होना चाहिए। द हिस्ट्री शुड नॉट बी लिमिटेड टू पोलिटिकल वन, इट शुड इनकम्पेस इट सेल्फ टू द कल्चरल, द सोशल, द इकोनॉमिक, द आर्ट फॉर्म्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो इस पर संभावित बातचीत होनी चाहिए कि हम किस तरह से इसको लेके चले। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि लोग हमारी जो अपना जो इतिहास है जिसको हम भारतीय वाङ्मय कहते हैं उस पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आप जो भी वहां पर चमत्कारिक बात है उसको आप क्रेडिबिलिटी के लक्षण में मत डालिए, लेकिन जो उसका घटनाक्रम है अगर वो प्रमाणित होता है वो तो इतिहास का हिस्सा बन सकता है। तो यहाँ पर आप संपूर्ण वाङ्मय को सिर्फ चमत्कारिक मान के और क्रेडिबिलिटी क्राइसिस के खांचे में डाल दीजिए, इससे तो बात नहीं बनने की है। हमें जरूरत है कि हमारी जितने भी हमारा साहित्य बिखरा पड़ा है तमाम स्थानीय भाषाओं में, कन्नड़ में, तमिल में, मराठी में और गुरमुखी में और हिंदी में, संस्कृत में, इस सबको समाहित करना चाहिए और सबको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। एक लेख और मैं पढ़ रहा था, उसमें लोगों ने कहा कि हम अपना इतिहास भूलते जा रहे हैं, परंतु इंडोनेशिया जैसे लोग हमारे से ही प्रेरित है और कहते हैं कि हमारे रूट्स तो इंडिया में हैं और वो अपने करेंसी का नाम रुपया रखते हैं, वो अपने जो एयरलाइन है उसका नाम गरुड़ रखते हैं और उनके बहुत सारे स्थान और बहुत सारी चीजें राम के करेक्टर से प्रेरित हैं। तो जहां एक तरफ इंडिया में राम को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कम से कम आधे दशक से ऊपर की लड़ाई लड़नी पड़ी है, वहीं पर विदेशों में लोग राम को सत्य मानकर और उनको अपने यहाँ अनुष्ठापन कर रहे हैं। तो आज की तारीख में ये आवश्यकता है कि हम फिर से अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको जीवित करें, जीवन करें, उनको अपने इतिहास में स्थान दें, उनको अपनी नई पीढ़ी को आगे ट्रांसफर करें, सो दैट वो एक बहुत ही उदात्त इतिहास को पढ़ने के रक्षक हो सके। और ये जो आक्रमण प्रत्याक्रमण और इसी तरह का जो इतिहास लिखा गया है किंचित प्रभावों में, उनसे दूर हट के एक नए तरह की विधा विकसित होनी चाहिए। तो मेरा यही कहना है। अब मैं संक्षेप में अपने दो दो मुख्य वक्ता हैं उनके बारे में, आज जी कदम 1927 में हुआ था, उन्होंने अपनी मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से और डॉक्टरेट तेहरान यूनिवर्सिटी ईरान से प्राप्त की। इसके बाद वो जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे और आज हम उम्मीद करते हैं कि जो अपना एक अध्यक्षीय उद्बोधन हमें देंगे और जहां कहीं वक्तव्यों में विसंगति होंगी उनको वो ठीक कोशिश करेंगे। और हमारे आगे प्रोफेसर विघ्नेश कुमार जी त्यागी, जो जिन्होंने वास्तव में एक जिसको कहते हैं नेटिव इतिहास, अपने मेरठ और उसके आसपास बागपत, हस्तिनापुर, ये सब के आसपास जितना इतिहास बिखरा पड़ा था उसको एक्सकवेशन के माध्यम से निकालने की कोशिश की है। उन्होंने लगभग 23 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिसमें दो पुस्तकें जिसकी चर्चा करना जरूरी है कि 1857 इन 1857 एक किताब उनकी है जो 11 खंडों में प्रकाशित है, और इसके अलावा उनकी एक किताब और है जो मेरठ, द हिस्ट्री ऑफ मेरठ इन लास्ट 5000 ईयर्स, तो इसका उन्होंने संकलन किया है। उन्होंने एक हस्तिनापुर इतिहास शोध संस्थान बनाया है जिसके वो फाउंडर हैं। इसके अतिरिक्त वो भारत इतिहास संकलन परिषद के फाउंडर मेंबर हैं, वो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, उत्तर प्रदेश हिस्ट्री सोसाइटी,
उत्तराखंड हिस्ट्री सोसाइटी और अन्य इतिहास से जुड़े हुए संस्थानों के मेंबरशिप है उनके पास में। वो एक बहुत अच्छे शोधकर्ता और लेखक हैं, और उनका जो बायोडाटा है उसको देखकर मैं सोच रहा था कि शायद इससे अच्छा हमारे पास वक्ता आज नहीं हो सकता था, जिस प्रकार से हमारे बीच में प्रोफेसर विनेश कुमार जी हैं, जिन्होंने अपने स्थानीय साहित्य स्थानीय इतिहास को आगे लाकर और पब्लिश करने की कोशिश की है और आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मैं आप सभी का पुनः इस परिचर्या में स्वागत करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगने वाला जो घंटा का समय होगा वो बहुत ही उपादेय होगा और हम लोग अपने विद्वान वक्ताओं से सुन के खुशी पाएंगे। आप लोग चैट बॉक्स में अपने प्रश्न डाल दें और यथासंभव अपने माइक बंद रखें सो दैट ये जो संवाद है वो अच्छी तरह से हो सके। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एक बार पुनः, और आशुतोष जी आपका और सभी का धन्यवाद, और हमारे जो वक्ता हैं आज के उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तार से ये सारी बातें हमारे साथ रखी हैं, पूरी एक पृष्ठभूमि हमारे साथ खड़ी कर दी है, और लेकिन अपने वक्ताओं के बारे में मैं दोनों के बारे में एक एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर डॉक्टर काशीनाथ पंडिता जी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं भारत सरकार के द्वारा। 90 वर्ष की उम्र में भी जब आप उनका वक्तव्य सुनेंगे तो आप पाएंगे कि वो कितना व्यापक और कितना साफ और कितना स्पष्ट है और कितने वो एक्टिव हैं, ये मुझे पिछली बार पता लगा। ऐसे ऐसे जो इतिहासकार हैं जिनसे जिनके बारे में बहुत हम लोगों को लेट पता लगता है, मैं उनका अपनी ओर से कॉलेज की ओर से स्वागत करता हूँ। दूसरी ओर प्रोफेसर डॉक्टर विघ्नेश कुमार जी की एक विशेषता डॉक्टर साहब आप बताना छोड़ गए, बंदा बैरागी के ऊपर उनकी महारत हासिल है। बंदा बैरागी का जो इतिहास है उसके ऊपर जितनी वो स्पष्टता और जितनी दृढ़ता से अपनी वो बात रखते हैं वो कमाल है, अपने आप में अद्भुत है। तो दोनों वक्ताओं का हम सम्मान करते हैं, उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए मंच पे उनको आमंत्रित करने से पूर्व मैं एक स्लाइड और शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने डॉक्टर वाजपेयी जी ने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की हैं, बहुत सारे पक्ष रखे हैं, लेकिन ये जो भेद हमारे में दिखाई देता है इतिहास और मिथक का, हालांकि मिथक शब्द को मिथ्या से जोड़ देते हैं लेकिन मिथह शब्द भी प्रयोग होता है संस्कृत में जिसका मतलब है एक साथ जोड़ा, तो मिथह प्रोचो इकट्ठे बोले, तो ये भी एक है, तो वो पक्ष कौन सा हो सकता है उसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और अनुवाद करने में कई बार हम बहुत गड़बड़ कर जाते हैं और उससे फिर विसंगतियां पैदा होती हैं, लेकिन एक स्लाइड दिखा करके मैं सबसे पहले डॉक्टर विघ्नेश जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। इतिहास के बारे में ये देखिए इनकी जानकारी, मैं वो विशेष रूप से आप लोग पढ़िए इसको, व्हेन द यूरोपियंस केम टू इंडिया दे वर डिवाइडेड बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, एट वन लेवल दे बिलीव्ड इन बिगनिंग ओरिजिनल सिन जिसे आप कहते हैं एंड द एंड ऑफ हिस्ट्री एपोक्लिप्स जैसे कहते हैं लाइक मुस्लिम्स, ये वो दो चीजें मानते हुए आए थे, एक तरफ उनका अपनी बाइबल खड़ी थी और एक तरफ उनका विज्ञान। एट अनदर लेवल दे बिलीव्ड इन साइंटिफिक एविडेंस। नाउ द पार्ट टू विच इज मोर इंटरेस्टिंग, द प्री साइंटिफिक यूरोपियन एक्सेप्टेड वट एवर द प्रीस्ट प्रीस्ट, वो उसमें विश्वास करते हैं। द पोस्ट साइंटिफिक यूरोपियन डिमांडेड एविडेंस फॉर एवरीथिंग, बोथ द प्री साइंटिफिक एंड पोस्ट साइंटिफिक यूरोपियन रिजेक्टेड सेक्रेट स्टोरीज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, अमेरिका, अफ्रीका, एशियन, ऑस्ट्रेलिया एज मिथ फॉर ऑल टूगेदर डिफरेंट रीजंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट सर, क्योंकि ये एक अपने आप में अलग दृष्टि है। जब हम इस दृष्टि से इतिहास को देखने लगेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इतिहास लिखने के तरीके क्या रहे हैं। The former for religious reasons, truth only comes from Bible. ये उनका विश्वास था। The latter for scientific reasons, lack of measurable evidence. The greatest victim of science was the linear religions of the West. सबसे पहले तो वहां वो धराशायी हुए और हमारे यहाँ पर अभी भी अगर वो विद्यमानता है पौराणिकता जिसे हम कहते हैं, हालांकि मिथक शब्द उचित नहीं है,
पौराणिकता शब्द अपने आप में पूर्ण शब्द बताता है, पूर्ण संस्कृति और पूर्ण प्रामाणिक रूप में वो उपस्थित होता है। लेकिन ये एक दृष्टिकोण रहा है जिसको हम ध्यान में रख करके मैं समझता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर विघ्नेश कुमार त्यागी जी का वो अभिभाषण जो है हम लोग सुनेंगे। तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर विघ्नेश कुमार त्यागी जी को कि वो मंच पर आए और अपनी बात हमारे साथ शेयर करें। दोनों वक्ताओं के लिए हमने आधा आधा घंटा रखा है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, देन वी विल सर। डॉक्टर विघ्नेश जी, सर सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर ये अनम्यूट कर लीजिए माइक को सर, विघ्नेश सर अनम्यूट कर लीजिए सर, एक सेकंड में। हेलो, अनम्यूट, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर, जी कार्यक्रम की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे प्रतिम विद्वान प्रोफेसर काशीनाथ पंडित जी, इस कार्यक्रम की संरचना करने वाले डॉक्टर प्रमोद कुमार वाजपेयी जी, प्रिंसिपल महाराजा अग्रसेन कॉलेज जगाधरी, और उनके सहयोगी डॉक्टर आशुतोष जी अंगिरस, एसडी कॉलेज लाहौर अंबाला कैंट, और डॉक्टर वीएस ढिल्लन जी, सभी प्रतिभागियों, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे प्रदेशों से हमारे प्रतिभागी इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। आज का विषय हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी, इश्यूज एंड पॉसिबिलिटी, ये है। इस शीर्षक में जो शब्द माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी को हम हमारे विद्वान इतर रूपों में लेते रहे हैं, उसको मिथक से उसका आशय जोड़ते रहे हैं हमारे इतिहास के लोग। मैं ये बड़ी क्षमा याचना के साथ अपने को भी दोषी ठहराना चाहता हूँ, इतिहास की बिरादरी के लिए जो काम करने वाले हैं, जो इतिहास पढ़ते पढ़ाते हैं, कि ये माइथोलॉजी ये मिथक से नहीं है इसका कोई आशय, ये देवशास्त्र है। जब इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास में माइथोलॉजी देवशास्त्र है। हो सकता है साहित्य में जब बात करेंगे तो साहित्य में माइथोलॉजी का अर्थ कुछ दूसरा हो, मिथ हो, मिथक हो, अन्य अन्य चीजें हो, लेकिन इतिहास में जब आप बात करेंगे तो माइथोलॉजी वो मिथक नहीं है, वो देवशास्त्र ऐसा एक विषय है। मैं इतिहास एवं देवशास्त्र, विषय एवं संभावनाएं, अब ये टॉपिक बनता है हिंदी में, हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी, इश्यूज एंड पॉसिबिलिटीज, इसका तो मैं हिंदी में बात करूंगा, इतिहास एवं देवशास्त्र, विषय एवं संभावनाएं। देखिए, देवशास्त्र किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों के समूहों के द्वारा अंगीकृत, आत्मार्पित मानी जाने वाली, उसको जीने वाली ऐसी जो परंपराएं हैं, वो उनसे मिलकर के बनता है, उससे जो बनता है वो देवशास्त्र है। वो आवश्यक नहीं कि हर हाल में इतिहास की परिभाषाओं पर, आज की परिभाषाओं पर वो खरा उतरे, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन उसमें इतिहास की रूट्स होती हैं, इतिहास की जड़ें हैं, इतिहास उन्हीं से आगे बढ़ता है, उनसे प्रेरणा लेता है। अधिकांशतः वो इतिहास के मामलों पर, उनके नायकों पर, उनकी घटनाओं पर अपना प्रभाव छोड़ते या छोड़ती हैं। जो वे कथाएं हैं, जो उनके नायक हैं, उनकी नायिकाएं हैं, उनके खलनायक हैं, जिन्हें हम देवशास्त्र कहते हैं। इस देवशास्त्र के संबंध में जब मैं बात करूं, तो अब ये विषय, इसको काल कोष्टक में भी रखना पड़ेगा। अब काल कोष्टक में ही नहीं रखना पड़ेगा, इसको भौगोलिक परिक्षेत्र में भी बांधना पड़ेगा। तो मैं दो लिबर्टीज यहाँ लेना चाहूंगा, दो स्वतंत्रताएं लेकर के उनका उपयोग करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा कि मैं एशिया के एक बड़े हिस्से को ले लेना चाहता हूँ, मैं भारत से लेकर के और पश्चिम की तरफ बढ़ना चाहता हूँ,
बंगाल की खाड़ी से जब मैं बढ़ना चाहता हूँ और आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान और मैं अरब तक भी जाना चाहता हूँ, ईरान और अरब तक जाना चाहता हूँ, इतने बड़े हिस्से में इसके जो प्राचीनतम सांस्कृतिक हमारी थाती और विरासत है उसमें जो सभ्यताएं हैं वहां कुछ हमें ऐसी चीजें दिखती हैं कि जो कॉमन दिखाई पड़ती हैं, जिन पर हम बात कर सकते हैं, जो भारत में यानी पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान में अच्छी बहुतायत से आज भी जीवित परंपराओं के रूप में है, और कहीं ना कहीं अगर अरब की बात ली जाए तो वो भले संकेत में हो, वे भले ही एक उनके द्योतक रूप में दिखाई पड़ती हो, लेकिन अस्तित्व में हैं। मैं ऐसे बात इस रूप में लेना चाहता हूं, हम एक इस पूरे भौगोलिक परिक्षेत्र में प्राचीन काल में प्रमुखता से माने जाने वाले हम एक चरित्र पर, एक देव पर अपनी ध्यान बात को केंद्रित करना चाहेंगे। मैं उनका सहारा लेकर ये बात कहना चाहूंगा, वो एक ऐसा देव है, एक ऐसा मनुष्य के रूप में कल्पित परिकल्पित माना गया ऐसा वो देवता है जिसके हाथ में कोई धारदार शस्त्र तो नहीं है लेकिन नुकीला शस्त्र है। हम बहुत छोटे होते हैं तो हम लकड़ी से खेलते हैं, कोई लकड़ी के अगले हिस्सा अगर नुकीला है तो जमीन में उसको कुरेद देते हैं, वो ऐसा कोई नुकीली चीज वाले हथियार ऐसा एक उनके हाथ में है, वो त्रिशूल जिसको हम कह सकते हैं, तीन जिसमें कांटे हैं, तीन जिसकी नोक है। इसके बाद वो चीज देखते हैं तो वस्त्र क्या है, तो वस्त्र में कपास नहीं है, ऊन भी नहीं है, सन भी नहीं है, टाट भी नहीं है, और उसमें जूट भी नहीं है, उसमें सिल्क भी नहीं है, बल्कि एक पशु की खाल है, वो पशु जो सबसे डरावना सबसे शक्तिशाली है, बाघम्बर, बाघ की खाल ऐसा वो दिखता है, उनके हाथ में एक डमरू दिखता है। उनके रूप में उस इस रूप को जब एक संकेत रूप में देखा गया तो पिंडी रूप में वो हमको पत्थर के रूप में दिखाई पड़ते हैं पूजे जाते हुए, या वो मिट्टी के बनाए हुए बेलनाकार एक ऐसी वस्तु के रूप में उनका संकेत, उनकी पूजा, उनका अस्तित्व ऐसा माना जाता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई कर रहे थे हिंदुस्तान के लोग सर जॉन मार्शल, तो जगह जगह उन्हें वो लिंगाकार और छल्ले दो चीज मिली, उन्हें ताज्जुब ये हुआ 1920 से लेकर के 30-31 में उनका इंडस वैली सिविलाइजेशन दो खंडों में वो पुस्तक आई और उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल एकदम शिव है, जो शिव की पूजा आज भी हो रही है ये वो शिव है। पता लगा वो अफगानिस्तान से लेकर इतने बड़े हिस्से में और आज भी वो परंपराओं में है। फिर वो सिलेंड्रिकल जो पत्थर है यानी पत्थर का महत्व होना, फिर उसका आकार सिलेंड्रिकल होना, फिर उसके परिक्रमा के लिए मंदिरों में आज भी स्थान होना, उसको बाएं रख करके केंद्र में बाएं के हाथ पर रख करके उसकी परिक्रमा की जाती है, वो एक हो सकती है, वो दो हो सकती है, वो तीन है, वो चार है, वो पांच है, वो छह है, वो सात है, यानी 7 बार की परिक्रमा। अब ये चीज देखिए कोरिलेट होते हैं, ये अरब तक जाएगा मामला, ये अरब तक भी इस चीजों को दिखाई पड़ता है। ये मैं नहीं कहता कि वो शिव है, मैं ये भी नहीं कहता कि शिवलिंग है, मैं दूसरी, लेकिन मैं कहता हूं कोई एक कॉमन चीज हमारी हमारी विरासत है जो इस प्राचीन भारत की, उसकी प्रतिध्वनि बहुत दूर दूर तक आ रही है और वो इवन अरब के अंदर भी आ रही है, वहां भी वो चीज दिखती है। वो जो एक मूर्ति पूजा है लगातार इधर, वहां भी वो लात, वहां भी हुबल, वहां दूसरी वो तमाम चीज आती है। यहां भी मूर्ति पूजा के खिलाफ स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज एक मूवमेंट किया, वहां भी किसी ने ऐसे ही किसी महापुरुष ने किया, शायद वो फिर बाद में चीजें आई, फिर कभी पैगंबर भी आए और उनकी उम्मत चली और वो तमाम दूसरी चीजें हुई। कहना मेरा केवल इतना है कि वो संकेत,
वो देव, वो पुरुष, उस पुरुष का वो जो एक द्योतक स्वरूप है, हुई है उसके, उसको उपासना के रूप में दे, और उससे प्रतीकों से वो आज भी जीवंतता, वो विरासत, वो साथी हम लिए हुए हैं। अगर हम ये बात कही गई माननीय प्राचार्य जी ने, वाजपेयी जी ने, कि बहुत सारी साथियां हैं, नृत्य की शैली है, उनको संरक्षण दिया उसी है, तो बजाने की ढपली की है, कोई वीणा है उसकी शैली जीवित है, कहीं कालबेलिया नृत्य है उसकी शैली जीवित है। तो यानी कोई भी शैली, चाहे वो नृत्य की हो, संगीत की हो, किसी अन्य अन्य उपकरणों के प्रयोग की हो, अथवा धार्मिक विश्वास की भी हो, वो भी उतनी है और ध्यान दिया जाता है। जब हम इस रूप में इसे ध्यान देते हैं, पड़ता है कि यहां से लेके अरब एक एक कॉमन चीज दिखती है। वो कॉमन दिखता है, तीन चार पांच आठ नौ और दस, उसको यक से चार शस हस्त दहा, इन रूप ईरान की अगर फारसी की, अगर अरबी की बात करूं तो हिंदसा करके चीज आती है वहां, ये कहिए, क्योंकि गणित के प्रति इनका बड़ा लगाव रहा है। अगर हजरत अली को तो काफी माना जाता है कि वो गणित की बड़े सारे सवाल और पहेलियां वो निकाला कर। चीज है कि भारत के साथ जो गणित की माता है देने की, दुनिया को जो शून्य के देने की जो भूमि माता है, वहां की जो संस्कृति, वहां की जो विरासत, वो केवल वहीं तक नहीं सीमित है, वो बहुत बड़े इलाके तक सीमित है। और अगर उस तरह से हम देखते हैं तो हमारी वो फिर सबकी सामूहिक थाती के रूप में दिखती है। हम कालबेलिया राजस्थान सरकार संरक्षण देती है, भरतनाट्यम को देती है, अन्य अन्य चीजों को, जो जो बहुत सारे प्रदेशों की सरकारों के में रहने वाले उनके अंदर हैं, और जो पूरे एक देश तीसरा देश और बहुत बड़े हिस्से पर तक वो आच्छादन जिसका है या अस्तित्व रहा या उस तरह का है, तो उसको अगर देखेंगे हमारी वहां दूर तक की दिखती, कहीं ना कहीं हम कहीं ऐसे हम दिखता है। पीछे जब चले जाएंगे तो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में बहुत चीजें ऐसी मिलेंगी जो बंगाल से कुर्ता मान्यताओं के वाहक हैं, परंपराओं के वाहक हैं, बंगाल से पुर्तगाल तक का ये संबंध दिखती है। ये है पाते हैं, तो देशों की सीमाएं रहती हैं ना, देशों की सीमाएं रहती हैं, प्रदेशों की सीमाएं रहती हैं। और उस वक्त जब हम इसको स्टोन एज की बात कह देते हैं, आदि मानव की बात कह देते हैं, बिल्कुल शुरुआती बात कह देते हैं, जिसको वेस्ट भी बड़ा साइंस के रूप में मानना चाहता है कि वो इतिहास को इस नजर से देखता है, भी सपोर्ट करने वाली चीज रहती है। तो फिर हम प्री हिस्ट्री में जब जाते हैं, जब देशों की सीमाएं रहती है, सारी कॉमन चीजें दिखती, इतनी कॉमन विरासत है के रूप से एक है। ऐसे दिन है आपको ताज्जुब होता है कि शब्द एक जैसे हैं। हम यहाँ कितनी सारी शब्दों को उपयोग करते हैं, पूरी शब्दावलियां जो हमारे इस भारत की नहीं है। हम जो बिरादरी शब्द इस्तेमाल करते हैं वो शायद हम ईरान की बात कर रहे हैं। जब हम हिंदी बेल्ट के लोग गाली देते हैं बहुत ज्यादा इस इलाके में, खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश, बिहार और थोड़ा बहुत हरियाणा और इसकी बात अगर मैं करूं, तो वहां भी वो शब्दों को गाली तक में भी हम आधा हिंदुस्तान की जोड़ रखा है, जिसमें मादर शब्द का इस्तेमाल होता है, मादरे वतन, वो पर्शियन चीज पे आता है मामला। यानी आप एक बात अगर देवशास्त्र की ओर, बार देवशास्त्र के और उसके अपना दिमाग माइंड सेट करके, अगर पूर्वाग्रहों को छोड़ सके, अगर देशों को छोड़ सके, तो
और आप सहस्राब्दियों पीछे पहुंचे, शताब्दियों की का खेल नहीं है ये, कि तो सहस्राब्दियों तक भी जाएंगे। तो मेरा ये आग्रह है कि कोई भी विद्वान वो किसी भी धर्म किसी भी संस्कृति को मन हवा में, चाहे वो यहीं का हो चाहे वो बाई ब्लड बाहर का भी हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, या कोई यूरोप का आदमी बैठा है या कोई और दूसरा बैठा है, वो देखेगा कि कितना ये इतने बड़े हिस्से में समान विरासत है, समान थाती है। और ये केवल हमें अगर प्रोवाइड करा सकता है इस प्लेटफॉर्म को, तो इसको केवल देव शास्त्र एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसे अगर हम आगे डेवलप कर पाए सारे देश, तो वही हमें इसका सबसे पुख्ता प्रमाण वो दे सकता है। उसकी ताक झांक करें, उसको हम देखें, तो आपको पाएंगे कि कहीं ना कहीं पूर्वज, कहीं ना कहीं रूट्स, कहीं ना कहीं जड़ें, वो हमारी समान विरासत है, समान है, एक सी है, एक सी दिखती है, और एक सी दिखती नहीं है और अधिक अधिक दिखती चली जाती है। जब आप गोगल्स कोई अभिलेख को देखते हैं, जो ये माना जाता है कि 150 सहस्राब्दी पहले, 1450 कह देते हैं, 1500 साल पहले, या उससे कुछ पहले भी डेटिंग जा रही है, तो लेकिन अगर उतना भी मानो कि 1450 ईसा पूर्व में, यानी आज से 3500 साल पहले या उससे और अधिक पहले, बोगस कोई के अभिलेख में हित्ती और लोग रहे हैं, और फिर वो करते हैं कि नहीं भी बहुत ब्लडशेड हो चुका है, अब आपस में सलाह वो करिएगा, एक तरह से समझौता। तो वो दोनों ही लोग, दोनों वो ग्रुप, दोनों वो समाज जिन देवताओं को साक्षी मानते हैं, तो उनमें दो ऐसे देवता हैं जो ऋग्वेद के प्रारंभिक काल में देवता थे, काल में देवता नहीं रहे, का वर्णन है, इंद्र का वर्णन है, ऐसे ही उसमें वैश्य पुत्र का वर्णन है, यानी वैश्य का पुत्र, उसमें आपके खत्रियों का वर्णन है, यानी जो हमारे ये खत्री हैं, यानी क्षत्रिय शब्द समझिए इसको, इस तरह से। तो वो आपको आर्कियोलॉजिकल भी चीजें मिलनी शुरू होंगी, आपको कुछ अनन्य भी चीजें मिलेंगी, लेकिन चीज है कि एक फ्रेमवर्क लेके बैठिए, उसमें इन्वाइट करिए, जैसी आज की टॉक हुई, मैं समझता हूँ मुझे इस बात को कहने का अवसर दे करके ये मेरे पे उपकार किया है कि मैं एक पोस्टुलेट को, जो भी केवल एक अवधारणा है, पोस्टुलेट है ये विचार, ये अगर छन छन के पक्का निकल के आएगा, तो ये अवस्थापना जो है, ये अवधारणा जो है, ये पोस्टुलेट जो है, एक सिद्धांत शायद बन सके कि हम लोगों की साझी विरासत किस तरह की है और कहाँ तक हमारे रूट देख हैं। जितने इलाका मैंने ये बोला, इतने का तो सारी साझी सारी दिखती है, शायद और भी दूर तक का दिखाई पड़े, लेकिन इतिहास में जहां तक दिखता है, जहां तक चीजें मिलती हैं, उसको हम प्रमाणिकता से कहें। और उन संभावनाओं पर, क्योंकि इसमें संभावना भी है, विषय एवं संभावनाएं, देवशास्त्र साथ माइथोलॉजी को जैसे ही आप देवशास्त्र कहते हैं, और देवशास्त्र के साथ में जब इसको जोड़ के देखते हैं, तो जो विषय बहुत सारे निकलेंगे, संभावनाएं तो अनंत होती हैं। मैं तो बहुत अल्पज्ञ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो इस कार्यक्रम की, इस अच्छे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, वो 9 दशक पूर्ण करने वाले, शतायु की ओर बढ़ने वाले एक हमारे महान अध्येता हैं, पद्मश्री सरकार ने उन्हें विभूषित किया है, उससे मैं उनके नमस्कार हूँ, उनकी विद्वत्ता के बारे, और मुझे ये सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उनके सामने अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है, तो ये शायद बड़े फलक पर दूर तलक जाएगी। एक शेर है उर्दू, तो सब लोग कोशिश करें, फिर इन सरकारों से भी कोशिश हो, इन प्रदेशों के भी चीजें, देशों के भी चीजें आए, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इसी बड़ा ही चीज निकल के आएगी, कि जो मैंने शुरुआत की एक शिव से, जिसके पास कपड़ा नहीं है, बाघम्बर है, जिसके पास बहुत मॉडर्न और एडवांस हथियार नहीं है, उसके पास वो धनुष नहीं है जिसमें प्रतिंचा चढ़ती है, ना उसके पास वो शूल है, त्रिशूल है, तीन वाला है, डमरू है जो आवाज बना रहा है, मरे हुए मुर्दा जानवर से को लगा करके जो एक आवाज निकल के आती है, और जो आच्छादित जिसने बहुत बड़े अरसे को किया है, बहुत बड़े इलाके को किया है, 7 की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है, तो 7 दिन भी हैं, और बहुत 7 बहुत सारी चीजों से जुड़ सकता है, सप्तऋषि वे हैं, विवाह में भी 7 ही फेरे होते हैं, कहते हैं शायद शिव पुराण में ही 7 फेरों का वर्णन आता है शिव पुराण में, और मुझे ये भी बताया गया है मेरे कुछ मित्रों के द्वारा जो मुस्लिम्स हैं, सैयद हैं, और जो हज करके आए हैं, कि वो काबा में भी
कहते हैं वहाँ भी सात फेरे लगाने पड़ते हैं, संगे अश्वद है जिसको संग माने पत्थर और अश्वद माने तो काला, और पीछे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ रहा था, तो उन्होंने संगे अश्वद की जगह कुछ और नाम का इस्तेमाल किया है, अश्वद तो है लेकिन संग नहीं लिख के कुछ दूसरा इस्तेमाल किया है, और उसी को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि वो देवियां हैं, दो देवियां लूत है, दूसरी देवी और हुबल, तो वो एक चीज दिखती है, सात फेरे आगे लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इससे कोई लिंक है, लेकिन हो सकता है कोई चीज ऐसी वाला जीव है, और कहीं पीछे बहुत पीछे जब देशों की चीजें नहीं है, जब वो प्री हिस्ट्री का हम बात करते हैं, तो वहां उसको कोई हमारी साझी विरासतें दिखाई पड़े और उसके आधार पर हम आगे बढ़े। हैं युद्ध के कहते ना स्टेप, नृत्य के भी स्टेप्स वही हैं, तो इन संभावनाओं को हम तलाशें, सबको खुला छोड़ें और प्री हिस्ट्री की ओर दौड़ें, इसको देव शास्त्र समझें माइथोलॉजी को, तो शायद कुछ नई विमाएं खुलेंगी ज्ञान की, जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज है उसमें कुछ इजाफा होगा, और उन सबको ही देखें किसी को, ठीक है एक वक्त में ये था, एक वक्त में कोई और है। कई बार मैं कहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के जो पूर्वज थे पिता माता, तो इस्लाम तो इन्होंने शुरू किया, तो वो भी उन्हीं को पूछते थे, वो तो कहते हैं उनके तो पूछा जी वगैरह, वो तो बहुत ज्यादा काबे के पवित्र स्थल था, वो सब तमाम चीज थी। मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, किसी की भावनाओं के उस पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन इतिहास के धर्म को मैं नहीं छोड़ना चाहूंगा, मैं प्री हिस्ट्री में जाना चाहूंगा, मैं उन संभावनाओं को तलाशने के लिए ये निवेदन करूंगा कि इन सरकारों से अरब में भी जो है उन लोगों से भी बात की जाए और की जाए, और एक विसाजी विरासत और बढ़ा जाए, क्योंकि देव शास्त्र विषय है, और जब देव शास्त्र विषय है तो ये सब उसके अंदर समाहित है। हाँ उसमें प्री हिस्ट्री में मेरे कुछ लोग प्री हिस्ट्री मेरे मित्र बुरा मानते हैं, माइथोलॉजी को बहुत बुरा शब्द समझते थे, जो अब नहीं रहे, बहुत बड़े विद्वान थे, एक बहुत बड़े संगठन के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 बार रहे, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मैंने बहुत सीखा, लेकिन वो माइथोलॉजी को बुरा समझते थे। मैंने कहा माइथोलॉजी देव शास्त्र है, आप इसे मिथक गलत समझते हैं, क्योंकि वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के थे, मैं उनका नाम भी ले देना चाहता हूँ, प्रोफेसर सतीश चंद मित्तल साहब थे, मेरा ये उनसे मत विभिन्न था, और मैंने बाद में उन्होंने मरने से पहले जाने से पहले ये कहा कि हाँ देव शास्त्र ऐसे ही प्री हिस्ट्री को कहते थे, कुछ लोग कहा प्री हिस्ट्री को नहीं है, आप ऐसा मत कहिए, प्री हिस्ट्री ही रखिए और दुनिया किसे समझे उस भाषा में समझाइए, अपनी चीजें लाइए बस जो है उसको, खाली इसके लिए नहीं कि वो टाइटल्स ही बदले जाएं, उन टाइटल्स को बदलने से कोई बुरा नहीं है, बल्कि वो भी आपके समर्थक हैं, जब देवशास्त्र शब्द आप इसको करते हैं माइथोलॉजी को, तो ये बहुत बड़े एक कलेवर को लेके आपके साथ आता है और आपको बहुत बड़ा प्रेरणा करता है, और आप इसको मिथक अगर कह देंगे, इसको इसका ट्रांसलेशन जो साहित्य में है इतिहास के लिए वो मिथक नहीं, इतिहास में उसका ट्रांसलेशन देवशास्त्र है, वो देवशास्त्र ही होगा, वही होना चाहिए, तो चीजें बदलती हैं, पूरी मानवता एक है, सबके दो हाथ दो पैर हैं, दूर तक हमारे यह प्रतिध्वनि गई है, दूर तक एक दूसरे के असरात हैं एक दूसरे पर, उनका एक बार फिर से पुनर्शोध, उसकी दृष्टि अपनाएं। आज की इस वेबिनार में मुझे केवल ये कुछ मुद्दे उठाने थे, और मुझे बहुत मैं आभार महसूस करता हूं इन अपने आयोजकों का, डॉक्टर प्रमोद कुमार वाजपेयी साहब का, अंगिरस साहब का, बहुत ज़्यादा कि इन लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ अपने मन के विचार जो मैंने एक पोस्टुलेट के रूप में अभी रखे हैं, अवधारणा के रूप में, शायद ये काम आगे होगा तो ये अवधारणाएं सिद्धांत बनेगी, ये पोस्टुलेट प्रिंसिपल बनेगा, और दुनिया को शायद कुछ एक नए तरीके से देखने का ये अपना कुछ क्रिया भर का ये सहयोगी सिद्ध होगा सभी का, सभी सुनने वालों का। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हालांकि इसमें मैंने नाम देख लिए हैं, लेकिन उसमें एक समय जाया होगा। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, नए रिसर्चर्स का भी, और टीचर्स का, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स, इतिहास के प्रेमी जो इतिहास पढ़ते भी नहीं है, पढ़ाते भी नहीं, लेकिन इतिहास में प्रेम रखते हैं, रुचि रखते हैं, और ऐसे फ्रीलांसर्स विद्वान जिन्होंने मुझे सुना, सभी का एक बार मैं बहुत बहुत
धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। और से आपने ये सारा वक्तव्य रखा है सर, आपको अपना सर आपको म्यूट करना पड़ेगा। हेलो जी, क्योंकि आपके फोन से वो मेरी वॉइस जो है वो रिजाउंड करती है, लेकिन जिस तरह से आपने ये सारा वक्तव्य रखा है वो बड़े ही हमारे लिए इनकरेजिंग रहा है, और लगता है कि इस विषय को हमें और अग्रसर करना चाहिए। जी प्रश्न हम अभी बाद में लेंगे, लेकिन एक चीज जो मुझे लग रही थी और उस पे भी मैं अपना भी प्रश्न डॉक्टर साहब के साथ शेयर करूंगा कि देवशास्त्र जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी के लिए तो ठीक है, क्योंकि वहाँ देवताओं और मनुष्यों में हमेशा एक संघर्ष की स्थिति चलती रही है, लेकिन यहाँ पर मिथक शब्द ना होकर के पौराणिकता शब्द तो युक्ति संगत ज्यादा होगा, लेकिन उस पर हम विचार बाद में करेंगे डॉक्टर प्रोफेसर काशीनाथ पंडित जी के विचार सुनने के बाद। और इससे पूर्व कि मैं उनको डॉक्टर काशीनाथ पंडित जी को मंच पर आमंत्रित करूं, एक स्लाइड और मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। आप ये लोग ये देखिए, इस स्लाइड के ऊपर ध्यान दीजिए कि यूरोपियन स्कॉलरशिप इग्नोरेंस और रिजेक्शन ऑफ द ओरिएंटल हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर बिलीफ। बिलीफ क्या है उनका? अनकॉन्शियस और डेलिबरेट that oriental mythologies as contained in their respective traditional scriptures are sentimental and do not give history. Ironically, it reflects their double standards. They themselves consider their own biblical mythologies as reliable history. अब ये चीजें बड़ी विचित्र हमारे सामने एक स्थिति पैदा कर देती हैं कि ये किस तरह से लिखा जा रहा है, और इसीलिए ये स्लाइड में मैंने दो चीजें जरूर साथ में जोड़ी हैं। कई बार हिस्टोरियंस के साथ जब आप बात करते हैं, जब आप राष्ट्र शब्द का अर्थ गांव करने लगते हैं, जब एक नेशनलिज्म के ऊपर सेमिनार था और उसमें एक बड़े अच्छे हरियाणा के प्रतिष्ठित जो इतिहासकार हैं वो राष्ट्र शब्द का अर्थ गांव कर रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है और फिर उनको हमें चैलेंज भी करना पड़ता है। तो उस वक्त ये मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि इंटेलेक्चुअल एरोगेंस से बचना चाहिए। ठीक है, विज्ञान के रूप में आप पढ़ाते हैं, सोशल साइंसेस के रूप में पढ़ाते हैं, but we must be very humble, we should not put our weights around for this. So intellectual arrogance or human presumptions jo hain, inse agar hum bach sake aur itihas ko tab likha jaye to mujhe lagta hai ki bahut hum badi service is desh ke liye kar sakte hain, itihas ke arth hamare liye naye khul sakte hain, aur ye tabhi sambhav hai ki jab itihas ke log apne self righteousness ko thoda sa विनम्रता पूर्वक उसको नीचे रखें और बाकी लोगों के साथ, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी एक इंटरेक्शन करें तो नई संभावनाएं निश्चित रूप से खुल सकती हैं, जैसे कि ये है। और एक बात और मैं जोड़ करके प्रोफेसर काशीनाथ जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि ये जो आज का वेबिनार है ये प्रोडक्ट किस चीज की है? ये पिछले कुछ एक सेमिनार की एक परंपरा हमने चला रखी थी हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, और वो केवल एक पंक्ति में आपको मैं बता रहा हूँ कि वो सवाल ये था कि हिंदुओं का इतिहास वस्तुतः है कहाँ। या आप एंशंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ते हैं, और पोस्ट मॉडर्न ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है उसमें आप कांग्रेस और ये सारी पढ़ लेते हैं। तो इस सारी हिस्ट्री के दौरान हिंदू की हिस्ट्री कहाँ है? वैदिक हिस्ट्री को आप हिंदू कहेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हिंदू वेद को एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, लेकिन वेद हिंदू है ऐसा कहना मुझे लगता है कि वो बड़ा एक विसंगति वाली बात होगी। तो इस तरह जब उन विषयों के ऊपर हमने 3-4 सेमिनार्स किए हैं और अभी कंटिन्यू करेंगे उस सीरीज को, तो उस दौरान ये भी एक प्रश्न आया था कि परंपरा में जो ये हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य भी शामिल हैं, इसमें देवता भी शामिल हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जब हम माइथोलॉजी की बात करते हैं, पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रश्नों को हम बाद में लेंगे। तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर काशीनाथ पंडित जी को बड़े आदर भाव से और बड़े विनम्र भाव से कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें और प्रेजिडेंशियल रिमार्क्स अपने हमारे साथ
सांझे करें। सर, प्रोफेसर काशीनाथ जी, सर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? सर आप अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा, वैसे तो अनम्यूट ही थे मेरी ओर से। प्रोफेसर काशीनाथ जी, सर मैं कर रहा हूँ, आपको अनम्यूट मैंने कर दिया। अच्छा जी, मेरी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। ओके, और अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे सर, बड़ा अच्छा लगेगा। विल लाइक लव टू सी यू। अब कैसे होगा वीडियो ऑन? स्टिल नॉट गेटिंग यू सर। आवाज तो आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी आवाज है। ठीक है सर, प्लीज कैरी ऑन। ओके, मैं सबसे पहले यज्ञेश, प्रोफेसर यज्ञेश जी का बहुत आभारी हूँ। सर ये स्लाइड हटा दीजिए प्लीज। उन्होंने बड़े विस्तार से, कौन सर, बहुत विस्तार से उन्होंने आज के विषय पर रोशनी डाली है और एक नया डायमेंशन हमारे सामने रखा है। और मैथोलॉजी को देव शास्त्र कहकर एक तरह से मैं समझता हूँ कि इसमें एक सच्चाई भी है, और वो इस तरह है कि जितनी बड़ी बड़ी माइथोलॉजीज हैं, भारत की है, ग्रीस की है, ईरान की है, इन सब माइथोलॉजीज में किसी न किसी तरह से सुपर नेचुरल एलिमेंट है, और उस एलिमेंट को अगर देव शास्त्र के रूप में हम कहें, माने, तो एक बात बनती है। मैं ईरान में, मेरी हायर स्टडीज हो चुकी है, मैं बहुत देर ईरान में रहा हूँ, लगभग 4.5-5 साल रहा हूँ। आप जानते हैं कि ईरान का एक बहुत मशहूर एपिक है जिसको शाहनामा कहते हैं, और एक तरह का इसको आप मान लीजिए जैसे हमारा महाभारत एपिक है, ऐसे उनका शाहनामा है। ईरान में मैंने ये देखा कि 5 साल स्टडी करने के बाद कि कोई भी शख्स, कोई भी विद्वान ईरान का, प्रोफेसर है, स्टूडेंट है, कमेंटेटर है, कोई भी है, वो किसी भी सूरत में शक नहीं करता कि ये माइथोलॉजिकल फंड जो है, इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता है, किसी प्रूफ की जरूरत है, ये वो नहीं मानते। अब वो ये है कि देखिए, इस माइथोलॉजिकल फंड को इतनी इम्पोर्टेंस मिली है ईरान में कि लगभग ईरान के हर एक बड़े शहर में हर महीने एक कोई न कोई बहुत बड़ा एक सम्मेलन दायर किया जाता है, एक असेंबली, एक मीटिंग होती है जिसको शाहनामा खानी कहते हैं, यानी शाहनामा पढ़ना। एक्सपर्ट्स हैं वहाँ जो बैठकर, मंच पर बैठकर, आगे 200-300 लोग बैठे हैं और वो शाहनामा पढ़ता जाता है और एक्सप्लेन भी करता जाता है। ये सिर्फ तेहरान नहीं है, ये सिर्फ मशहद नहीं है या शिराज नहीं है, ईरान के लगभग सारे बड़े शहरों में शाहनामा खानी होती है, और ये उस कल्चर का एक हिस्सा है, ईरानियन कल्चर का। आप किसी भी ईरानी से शाहनामा के बारे में, माइथोलॉजी के बारे में बात करें, वो वसूख से कहेगा कि ये तो हमारा कल्चर है, ये हमारी हिस्ट्री है। इस तरह की कोई चीज़ हमारे यहाँ भारत में हमने देखी नहीं, और सच तो ये है कि महाभारत और रामायण को
तब ही एक बहुत बड़े वर्ग ने भारत में बहुत ज्यादा लोगों ने तभी समझा और जब उन्होंने इसको इसकी इसकी फिल्म को देखा और टीवी पर देखते रहे तब जाकर के उन्होंने समझा। लेकिन इसका आम लोगों तक पहुंचना और इसको अपनी बहुत बड़ी सभ्यता का एक हिस्सा बनाकर मान लेना ये बात हमारे यहाँ नहीं हुई। अब ग्रीक माइथोलॉजी में हुआ ये कि ग्रीक्स की माइथोलॉजी सारे यूरोप की सोसाइटीज ने एक्सेप्ट की, तो रोमन थी या और कोई थी, यूरोप के तमाम सोसाइटीज ने इसको एक्सेप्ट किया और इंग्लिश लिटरेचर में, फ्रेंच लिटरेचर में, यहाँ तक कि कहीं कहीं रशियन लिटरेचर में भी उसको एक्सेप्ट किया गया और उसका वर्णन होता रहा। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी माइथोलॉजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर इंडिया के काल में साउथ ईस्ट एशिया तक ही पहुंच गई, जैसे इंडोनेशिया का जिक्र हुआ या सिंगापुर का या मलेशिया का कुछ अब वहाँ भी है, तो ये थोड़ा सा वहाँ तक चला गया लेकिन उसके बाद इसका फैलाव रुक गया। हमारे देश में भी इसका एक्सपेंशन बहुत हद तक रुक गया। उसकी एक बड़ी वजह हम ये मानते हैं कि कई सदियों से हमारा देश कॉलोनी बन गई, बाहर से लोग आए, उन्होंने अपनी अपना कब्जा जमाया, ये फॉरेनर्स ये किसी और कल्चर से निकले थे, इनकी भाषा कुछ और थी और यहाँ आकर उन्होंने जब अपना राज जमाया, अपनी हुकूमत जमाई, तो अपना कल्चर और अपनी भाषा और अपना लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। आज तक लगभग 1100-1200 साल से हमारे देश में जो अपनी सभ्यता के बहुत बड़े चिन्ह थे वो दब गए और नए चिन्ह सामने आए और वक्त के हुक्मरानों ने उनको ही आगे बढ़ाया और इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता संस्कृत भाषा का भी टीके शुरू हो गया, उसकी महिमा को, उसकी इम्पोर्टेंस को लोग भूल जाने लगे। और फिर वो ज़माना आया कि जब सिमट कर चंद लोगों में ही संस्कृत भाषा रह गई और संस्कृत विद्वान सिमटते गए, बहुत कम होते गए, ये एक सिस्टम हमारे यहाँ चला। एक बहस चली डाइकोटमी के माइथोलॉजी और हिस्ट्री के दरमियान, डाइकोटमी माइथोलॉजी अनसर्टन माइथोलॉजी, हेलो माइथोलॉजी के लिए प्रूफ नहीं है हमारे पास, हिस्ट्री के पास प्रूफ है। हिस्ट्री के इवेंट्स को प्रमाणित करने के लिए हमारे पास एविडेंस है, रिटन एविडेंस है, एपिग्राफी है, कॉइन्स हैं, न्यूमिस्मेटिक्स वगैरह वगैरह सब चीज़ें, लेकिन माइथोलॉजी को प्रूव करने के लिए ऐसे कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए माइथोलॉजी को सेपरेट किया गया और कई बार ये भी कहा गया कि ये कहीं सुनी सुनाई बातें हैं। भारत एक बहुत पुराना देश है, प्राचीन देश है, हमारी सभ्यता 10,000 साल, हमारे कश्मीर की रिटन हिस्ट्री कम से कम 5,000 साल की है, राजतरंगनी बता,
उस जमाने में जब पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड आ गया, लिखने का और उसको रिकॉर्ड करने का की ट्रेडिशन नहीं थी। हजारों साल तक कहानियां देवमाला की सूरत में सीना बसीना जिसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ से चलती रही, और जब इसको मिथ कहा जाता था और जब ये रिटन रिकॉर्ड बनने लगा आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके बाद इसका नाम माइथोलॉजी पड़ गया कि ये एक रिटन रिकॉर्ड है जो सुनी सुनाई बातें लोगों ने दर्ज कर ली है। बात ये है कि कहीं न कहीं से तो ओरिजिन आपको ढूंढना पड़ेगा, और उस ओरिजिन को ढूंढने के लिए आप हिस्टोरिकल साधन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोर्सेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइथोलॉजी को बजाय इसके कि आप शुरू से ही डिस्कार्ड करें, इसको नेगेटिवेट करें, इनकार करें इससे, उससे वो एक साइंटिफिक तरीका नहीं है। साइंटिफिक तरीका ये है कि उसे लॉजिक, और जिसको हिस्टोरिकल लॉजिक कहते हैं, हिस्ट्री का अपना लॉजिक, उसको इस्तेमाल करें, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि एक नए नए प्रमाण, नए नए सबूत, नए नए वर्शन सामने आते हैं। अभी योगेश जी ने इशारा किया कि हमारे यहाँ कोई सिर्फ ट्रेडिशन थी, माइथोलॉजी में है, माइथोलॉजी है कि लंका तक सेतु बनाया गया था और बाद में बहुत से लोगों ने नकार किया, बहुत से हिस्टोरियंस ने, खासकर जो प्रोग्रेसिव, अपने आप को प्रोग्रेसिव हिस्टोरियंस कहते हैं, उन्होंने नकारा। लेकिन जब सैटेलाइट के जरिए इसके चिन्ह मिले, इसके थोड़े निशान मिले, तो अब उन लोगों का मुंह बंद हो गया। प्राचीन भारत जैसे प्राचीन देश में जिसकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है और वो हमारे पास सिमट कर माइथोलॉजी की शक्ल में आई है, इस माइथोलॉजी ने हमारे पूरे दिमाग और हमारे जहन को और हमारी लाइफस्टाइल को, हमारी सोच को एक खास सांचे में डाल दिया है। उस सांचे से हम अलग नहीं हो सकते हैं, अलबत्ता उसको दबाने की, उसको लेस इम्पॉर्टेंट बनाने की बड़ी कोशिश की गई है। और ये 1200-1300 साल का पीरियड जो है, ये हमारे लिए वही पीरियड है कि इससे, जैसे अभी वाजपेयी जी ने कहा, इस शल से बाहर निकलना, इस शल से बाहर निकलने वाली बात है। पहले तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होनी चाहिए कि हम इस देश के लोग हैं और ये हमारी सभ्यता का चिन्ह है, हमारी सभ्यता की स्टोरी है। आप बजाय इस स्टोरी को नकारने के, इसको प्रूव करने के लिए आप कोशिश करें, प्रयास करें कि किस तरह आप इसको प्रूव कर सकते, और वो प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे कश्मीर में राजतरंगिणी लिखी गई 1149 में, ये पुस्तक हिस्ट्री लिखी गई, और 1891 में लगभग 700-750 साल तक ये किताब वैसी की वैसी रही और इसका किसी ने कोई रिसर्च नहीं। लेकिन 1891 में स्टाइन जब इस पर रिसर्च की और इसका ट्रांसलेशन करके इसके नोट्स लिखे, एनोटेशंस लिखे, इसके ग्लॉसेस लिखे, आज आप उठाकर देख लीजिए कि एक एक चीज जो माइथोलॉजी कलहन ने बताया था,
उसको स्टाइल ने एक एक करके प्रूफ, वो कहता है मैं हर एक जगह गया, एक एक जगह गया हूँ और मैंने ये देखा और मैंने इसको। इस तरह की रिसर्च पॉसिबिलिटीज में, हम जब हम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं तो हम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उस पाए की रिसर्च शुरू की जाए जिस पाए की रिसर्च स्टाइन ने की है राजतरणी के बारे में, और कश्मीर की पूरी माइथोलॉजी को खोल करके सामने रख दिया है कि इसमें कितनी सच्चाई है, तो मैं समझता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी हमारे पूरे माइथोलॉजिकल फंड जो है हमारे भारत का, वो सामने आ सकता है। इसके लिए प्रयास करना है, इसके लिए लिंग्विस्टिक स्किल होनी चाहिए, संस्कृत भाषा पर बहुत अबूर होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रयास आप कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रयास पहले ये करना चाहिए कि हमें संस्कृत भाषा को चलित करने के लिए, आम करने के लिए, उसको पॉपुलर बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करना चाहिए होगा, तब जा कर के हमारी ये सब चीज़ें सामने आएंगी। हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि इसको प्रूव किया जा सकता है, एविडेंस दिया जा सकता है कॉइन से या एपिग्राफी से या रिटन हिस्ट्री से या एनेक्डोट से। मैं, मेरा ये कहना है कि हिस्ट्री को बिगाड़ा भी गया है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है और किया गया है, खासकर हमारे देश में हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया, और बहुत दुर्भाग्य बात यह है कि 1947 के बाद हमारी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने का कोई कम काम नहीं हुआ, बहुत ज्यादा काम हुआ, आज तक चला आ रहा है। ये कि इतिहास लिखने के लिए किसी आइडियोलॉजी की आवश्यकता है, इतिहास इतिहास है, जो गुजरा है उसको, उसका वर्णन करना है, उसको इंटरप्रेट करना है। जब आप आइडियोलॉजी लगाते हैं तो आप भटक जाते हैं, तो आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं। जो आइडियोलॉजी लगाई गई 47 के बाद वो बुनियादी तौर गलत थी, वो आइडियोलॉजी बारो की गई, अपनी नहीं थी इनकी अपनी आइडियोलॉजी, जिनको हम प्रोग्रेसिव और लेफ्टिस वगैरह कहते हैं, ये मांगे तांगे की बातें थी। लेकिन उन्होंने न तो रशिया की हिस्ट्री पढ़ी और न रशियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की हिस्ट्री पढ़ी कि वहाँ क्यों ऐसा हुआ, वहाँ क्यों ऐसी इस आइडियोलॉजी को किस तरह इसकी ग्रोथ हुई। रशिया में अपनी, चाहे वो जार थे, जार की हुकूमत थी, वो अपने थे, रशियंस थे, फॉरेनर्स नहीं थे, हमारे यहाँ फॉरेनर्स थे। आपकी शुरू से लेकर 8वीं सदी से लेकर सिंध के इन्वेजन से लेकर 712 से लेकर आपके 47 तक ये फॉरेन कंट्रोल थे। और आपको याद होगा 2014 में जब इलेक्शन हुआ और NDA गवर्नमेंट बनी, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एडिटोरियल लिखा कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इज गेटिंग इट्स ओन गवर्नमेंट। आप अंदाजा करें कि उन लोगों की नजर क्या थी, कहां तक हम लोगों को कहाँ तक उन्होंने समझ परख रखा था कि ये लोग अपने ओरिजिन से, अपने कल्चर से दूर किए गए, हटाए गए। यज्ञ जी ने बंगाल से लेकर अरब तक की बात की, बहुत माने वाली बात कही है, क्योंकि माइथोलॉजी
सीमाएं नहीं दे, वो बाउंड्रीज नहीं दे, उनसे क्रॉस करती, उनसे आगे चली जाती। ईरान में अग्नि को जहां ईरान की माइथोलॉजी, ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन की जो माइथोलॉजी, वो अग्नि को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते, और यहां हमारे यहां अग्नि देवता है, इसी अग्नि अग्न है, और अंग्रेजी में इग्निशन बन गया, इसी अग्नि से बन गया। इसी तरह सन वर्षिप, ये हमारे सभ्यता का एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंटेशन। सन वर्ष, सूर्य देवता को हमने देवता बनाया। मैं बुखारा समरकंद गया था, समरकंद में तैमूर के जमाने में मदरसे बने हैं, एक मदरसे के फ्रंट पीस पर गेट के ऊपर उन्होंने शेर की शक्ल बनाई और उसके पीछे बहुत बड़ा सन का साइन बनाया। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, बोला हम सन को मेहर परस्ती कहते हैं, और ये मेहर मित्र से मित्रा से निकलता है, जो ग्रीक साइंस में आपकी मित्रा, फारसी में मेहर बन गया। और जो ईरान का लास्ट किंग था वो अपने आप को आर्या मेहर कहता था, लकब दिया था अपने आप एरिया, आर्यायों का मेहर, आर्यायों का सूरज। सेंट्रल एशिया में पंजीकंत एक छोटा सा टाउन है, वहाँ उन्होंने रशियन सोवियत यूनियन के ज़माने में एक अच्छा म्यूजियम बनाया। मैं इस म्यूजियम में गया, वहाँ उन्होंने मुझे एक गोल्ड प्लेट दिखाया। इस गोल्ड प्लेट के की शक्ल जैसे सूर्य की शक्ल बनाई गई, इसके से जिससे सूर्य की किरणें निकलती हैं पूरे गोल दायरे में निकलती हैं। तो मैंने उनसे पूछा ये कहाँ निकला है और इसकी क्या हिस्ट्री, मैं समझता। उन्होंने बोला कि ये हमारे पंजीकंत में निकला है, और यहाँ हमारे साथ जहाँ ये था उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चूने लाइन की का एक स्टैचू बुद्धा का मिला है, जो दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू माना जाता। तो सूर्य परस्ती, जैसे इग्नेश जी ने कहा, मैं उसी को एलिसिडेट कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, कि सेंट्रल एशिया में भी सन वर्शिप अभी अभी आर्या मेयर, यानी अभी अभी कुछ से 20-25 साल 30 साल पहले जब मैंने का दौर आया, इससे पहले तक बाकायदा लोग इसको मानते रहे। मैं समझता हूँ कि हमारा माइथोलॉजिकल फंड ही हमारा हिस्टोरिकल सोर्स है, और यहीं से हम अपनी हिस्ट्री को ट्रेस करना चाहेंगे। इसलिए एक बहुत बड़ा काम हमारे सामने है कि इसको लेकर के, अपने फंड को लेकर के, माइथोलॉजी को लेकर के इसकी रिसर्च की जाए, और ये रिसर्च बड़े इंस्टीट्यूट्स में हूँ, स्कॉलर्स हूँ, इसके साथ साथ कई और एरियाज होंगे जिनमें रिसर्च करनी होगी। आपके वेदों में भी रिसर्च बाकी है, आपके यजुर्वेदा की रिसर्च बाकी है, जितना भी कुछ हुआ है आयुर्वेदा वो बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा भी बाकी है। इस तरह ज्योग्राफी का है, आपके ऋग्वेदा में ये सब एरिया जो हमारे नॉर्थ वेस्ट में है, जैसे योगेश जी ने कहा, ये पूरा एरिया ऋग्वेदा में इसका जिक्र हो रहा है, वर्णन हुआ है, नाम है सिटीज के नाम, फल्क, भकड़ी और दूसरे बड़े बड़े शहर,
और पर्थ के साथ इतनी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, इतनी माइथोलॉजी जुड़ी हुई है, और बगदाद से जो अबासाइड कैलिफ से कैप्चर किया और यहाँ के लोगों को उठा करके जो वहाँ के को उठा करके ले गए बगदाद में, जो वहाँ प्रमुख थे ये कांगड़ा और कश्मीर और इस नॉर्थन इंडिया के लोग जो मेन प्रीस्ट थे उनको उठा करके कन्वर्ट करके ले गए बगदाद। यही कन्वर्टेड प्रीस्ट में अबासाइड कैलिफेट में जो उन्होंने हाउस ऑफ बनाया उसमें इन्होंने ग्रीक साइंसेस को ट्रांसलेट किया और ये वही प्रमुख थे जिनको अंग्रेज समझता हूँ कि हिस्ट्री और उनके दरमियान कोई भी डिफरेंस कोई भी डाइकोटॉमी नहीं है समझने की बात। मैं आप सब मित्रों का आभारी हूँ कि आपने महाराजा अग्रसेन कॉलेज वालों ने इसका आयोजन किया और हमारे प्रिंसिपल साहब वाजपेयी साहब ने भी बहुत अपने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी तरह से हमारे इश्यूज़ को, हमारे एस्पिरेशंस को, हमारे फ्यूचर प्रोग्राम्स को, हमारे प्लानिंग को, विजन को बहुत अच्छी तरह विस्तार से उन्होंने बताया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, इट्स सच एन एनलाइटनिंग टॉक। आई एम थ्रिल्ड सर, इतनी स्पष्टता इतनी क्लैरिटी विचार में होना, मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को सुनना हम लोगों का सौभाग्य है। और जैसे कि पिछली बार भी मैंने ये बात आपसे कही थी कि आप, मुझे अफसोस है कि आपसे बहुत देर के बाद परिचय हुआ। आप जैसे लोगों को सुनने से हमारी दृष्टि का भी विकास होता है, हमारी भाषा का भी, और हमें ये भी समझ में आता है कि कितनी आवश्यकता है इस वक्त कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लोग आपस में इंटरेक्ट करें। हम लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर दे रहे हैं और स्किल्स के ऊपर जोर दे रहे हैं, लेकिन जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए टीचिंग कम्युनिटी को, वो नहीं हो रहा। लेकिन आप जैसे लोगों के ज्ञान को देख करके ये अनुभव होता है कि कितना कुछ आपने पढ़ा होगा, कितना कुछ जाना होगा और कितनी व्यापक दृष्टि आपकी रही है। और मैं समझता हूं कि आज के सेमिनार की सफलता इन्हीं चीजों में है कि हमने दोनों वक्ताओं को उनकी दृष्टि की व्यापकता, उनकी गहराई और इस तरह से विषय प्रवर्तन करने का और विषय की स्थापना करने में जो उनकी महारत है वो हम सबको प्रभावित कर रही है। तो इससे पूर्व कि मैं हम डॉक्टर वाजपेयी जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करें, उससे पूर्व कुछ एक प्रश्न है मैं चाहूँगा प्रोफेसर विघ्नेश जी और डॉक्टर काशीनाथ जी दोनों जुड़े रहे हैं हमारे साथ, और कुछ एक प्रश्नों के लिए मैं आमंत्रित करूँगा पहले तो। और उससे पूर्व सभी के लिए सूचना है कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें लिंक डाल दिया गया है, भर सकते हैं और जब वेबिनार समाप्त होगा आप लोगों के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। इससे पहले कि मैं सबसे पहले रमेश कुमार सुखीजा जी को आमंत्रित करूं कि वो अपना प्रश्न आप लोगों के साथ शेयर करें, एक कोटेशन जरूर मैं के एम मुंशी की पढ़ देना चाहता हूं, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो हिंदी में जिन्होंने मेरा ख्याल है कि 56 से अधिक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं और उनको हिंदी वालों ने निष्कासित कर दिया है, हाशिए पे भी नहीं रखा हुआ क्योंकि हिंदी में भी अजीबोगरीब से परिवर्तन हुए हैं। जो जो एक बड़े प्रतिष्ठित लोग हो सकते थे, जो दिशा दे सकते थे हिंदी को, उनको उन्होंने निकाल करके बिल्कुल किनारे कर दिया। उनमें से के.एम. मुंशी जो है वो एक बात हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मैं कोटेशन ही सिर्फ पढ़ रहा हूँ और उसके साथ सुखीजा जी से कहूँगा कि वो अपनी बात हमारे साथ शेयर करें। इट हिस्ट्री मीन्स डज नॉट गिव अस द रियल इंडिया ड्यूरिंग अवर स्कूल और
college career, generation after generation were told about the successive foreign invasions of the country, but little about how we resisted them and less about our victories. We were taught to decry the Hindu social system, but we have never been told how the system came into existence as a synthesis of political, social, economic, and cultural forces. How it developed in the people the tenacity to survive catastrophic changes. सर मैं सचमुच बड़ा महसूस करता हूँ और पर्टिकुलरली जब मैंने ये एनसीईआरटी की बुक्स हिस्ट्री की पढ़ी हैं और मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर नीरज अत्री जी, उन्होंने कितनी आरटीआईस भी लगाई हैं, चैलेंज भी किया है कि किस तरह से वो लैंग्वेज को मिसयूज करते हुए हिस्ट्री की बुक्स लिखी गई हैं। तो मेरी बातें यहीं समाप्त नहीं होंगी, हम इसका एक पार्ट टू भी करेंगे और वाजपेयी जी से मेरा आग्रह रहेगा कि इसको यहीं पे इसका समापन न समझें, इसका एक पार्ट टू भी अवश्य करें। और इसी के साथ मैं सुखीजा जी को कहूंगा कि वो अपना प्रश्न हमारे साथ शेयर करें। हेलो जी सर, बोलिए। यस सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट। हाँ सर, मैं रमेश सुखीजा कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि आमतौर पर जो इतिहास पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेजों में, वो किंग्स की, क्वींस की, बड़े बड़े राजे महाराजाओं की हिस्ट्री पढ़ा दी जाती है, चाहे राम की हो, चाहे अर्जुन की हो, महाभारत की हो, या और जो भी तथाकथित कितने ही राजा हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि इतिहास को यहाँ पे सिर्फ रिड्यूस ना करके हिस्ट्री ऑफ किंग्स एंड क्वींस, वो आम आदमी की, एक कॉमन मैन की जो स्ट्रगल है उसके एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, इकोनॉमिक फोर्सेस के अगेंस्ट, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के अगेंस्ट, उसकी लिविंग अगेंस्ट, इतिहास को उस ढंग से, उस नजरिए से क्यों नहीं लिखा जाता? ठीक है सर, बड़ा सीधा साफ क्वेश्चन है। और मैं समझता हूँ, एक प्रश्न और ले लें। सुमीर शर्मा जी, अगर आप जुड़े हुए हैं तो प्लीज कैन यू शेयर योर क्वेश्चन? दो आई कैन रीड इट, बट इट विल बी गुड इफ यू स्पीक फॉर योर सेल्फ। सुमीर शर्मा जी, सर आर यू लिसनिंग? यस यस, प्लीज गो अहेड। लेट मी अनम्यूट मायसेल्फ, काइंडली अनम्यूट मी। सुमीर जी, ओके 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 ओके, जस्ट ए सेकंड। सुमीर जी, सर यू आर अनम्यूटेड। सुमीर जी, नो, डोंट, I have unmuted you, sir. Are you getting me now? Yes, yes, loud and clear. Well, sir, I have already written. Yes, yes. In the section, we are actually unable to give linguistic expression to the idea of history of Jambudvip. Yes, that's wonderful, sir. So the need is to define, or rather, create a plan for writing history after 1947. That's we right. We must understand history has already taken place. We See. Cannot change it. We have to define it as per the requirement of our present day, which has not been done. On See. The other hand, we are grappling with the narrative which has already been imposed on us by the Cambridge school historians before 1947, and later by progressive historian or Marxist historians. That's so we one. Must think of a great second question, yes. Sir. Mm. I accept that Sanskrit will provide us enough evidences to the historic changes which has taken place in our society, but would it not be useful that Sanskrit should now communicate with the present generation in the language which is more popular? Right, sir. Thank you, sir. जी सर, डॉक्टर विघ्नेश जी, सर अगर आप जुड़े हुए हैं तो विल यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन, बोथ ऑफ द क्वेश्चन? सर विघ्नेश जी का मुझे पता नहीं। डॉक्टर काशीनाथ जी, विल यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस सर? सर डॉक्टर काशीनाथ जी,
यदि किसी और का प्रश्न हो तो हम समय को थोड़ा सा और बचा लेते हैं। सर जी, सर मैं डॉक्टर निर्मल बोल रहा हूँ पंजाब से। जी सर, सर मैंने ये पूछना था कि जो देवशास्त्र है जी जी, उसको हम अगर पौराणिक इतिहास कहते हैं, लेकिन इतिहास की तरह उसको हम परिभाषित नहीं करते, क्योंकि इतिहास में तो घटनाओं और तथ्यों का क्रम होता है जी, तो पौराणिक इतिहास में तो तथ्य नहीं होते हैं, तो इस प्रकार हम पौराणिक इतिहास कह पाएंगे उसको? हाँ बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर विघ्नेश जी और डॉक्टर काशीनाथ जी, प्लीज रिस्पॉन्ड इफ यू लिसनिंग टू मी सर। मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर सर चर्चा चाहिए, क्योंकि पुराणों को हम जानते नहीं हैं। मैं जितने मैं समझता हूँ, पुराणों के 5 विषय होते हैं, जहाँ पर जिसमें राजाओं का इतिहास और बाकी सारी चीज़ें, उसमें 5 विषय गिनाए गए हैं और वो सिस्टमेटिकली लिखे जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमें वो प्रॉपर उसका सिस्टम नहीं पता कि हाउ टू अप्रोच पुराणास। नहीं सर, मैं उसको देव शास्त्र से कंपेयर करना चाह रहा था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो मैं भी आपसे बात बिल्कुल एग्री करता हूँ कि देवशास्त्र जो है वो यहाँ पर लागू करना थोड़ा सा मुश्किल होगा भारत में, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस तरह से देवशास्त्र वाली बात कितनी उपयुक्त बैठेगी कह नहीं सकता। मैं आपकी बात को सप्लीमेंट एक और तरीके से करना चाहूँगा और फिर एक प्रश्न और लेंगे और फिर कंक्लूडेड। मेरी दृष्टि में, क्योंकि मैं संस्कृत की बैकग्राउंड से हूँ, मेरी दृष्टि में इतिहास के 2 पिलर्स हैं। ये पिछली बार भी मैंने बात की थी जब हिस्ट्री ऑफ हिंदूज के ऊपर हम बात कर रहे थे, कि पूरा इतिहास 2 खंभों के बीच में, पिलर्स के बीच में लिखा गया है। एक वो है जो ग्रीक पिलर है, ग्रीक पिलर में है कि अचीवमेंट्स क्या है। आप देखिए पूरी माइथोलॉजी, पूरा इतिहास ग्रीक का ये है कि देवताओं से छीन के कौन लाया, कैसे लाया, और फिर उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो टोटल इतिहास का एक पक्ष जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट, और यही हमारे अब एजुकेशन सिस्टम में आ गया है, यही हमारे बिजनेस और हर चीज में आ गया है कि व्हाट इज योर अचीवमेंट। हम बच्चों को भी इसी बात से पागल करते हैं कि तुमने अचीव क्या किया। नाउ द अदर पार्ट इज द बिब्लिकल पिलर। बिब्लिकल पिलर में क्या है कि देयर इज सम वन मसीहा हु विल लीड अस टू सम प्लेस विच इज फुल ऑफ मिल्क एंड हनी, बट वी हैव टू फॉलो हिज कमांड्स, वी हैव टू फॉलो हिज गाइडलाइंस। सो दूसरा इतिहास का जो पिलर है वो ये है बिब्लिकल ट्रेडिशन। तो इन 2 के बीच में लिखा गया सारा जो इतिहास है, उस दृष्टि से आप भारत का इतिहास नहीं लिख सकते, मेरा ये अपना मानना है। भारत के इतिहास लिखने के लिए आपको एक भारत की दृष्टि चाहिए, जिसमें आपने इतिहास विचारों को संकलन कैसे किया, उनका समन्वय कैसे किया, फिर उसका आपके दैनंदिन आपके व्यवहार कैसे रहे हैं, और फिर आपका वैल्यू सिस्टम क्या रहा है। ये 3 दृष्टियों को मिलाकर के जब तक आप इतिहास नहीं लिखते, तो मुझे लगता है कि भारत के साथ हम न्याय नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट सर देवशास्त्र भी तो बन गया, बना रहे हैं, लेकिन अभिन्न अंग उस रूप में नहीं है। देवशास्त्र को अगर आप संस्कृत वालों से पूछेंगे तो इट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग, लेकिन इतिहास में आज वो प्रयोग किया है डॉक्टर साहब ने, मैं आभारी हूँ उनका, उन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में किया है, लेकिन फिर भी जैसे मेरी अपनी रिजर्वेशन है कि दोनों शब्द आप जानते हैं कि प्लीज म्यूट द सेल्फ, प्लीज 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 प्लीज। सिंगल गॉड जो है वो जी कैपिटल से है, लेकिन जितने ग्रीक हैं वो जी स्मॉल से हैं। देयर आर गॉड्स, गॉड्स हमारे देव के साथ तालमेल उनका नहीं बैठेगा। शास्त्र अगर गॉड से करेंगे तो मुझे लगता है दिक्कतें आएंगी, लेकिन विल कंटिन्यू विद दिस सर नेक्स्ट सेमिनार। सर काशीनाथ जी, मैं एक बार फिर अनाउंस कर रहा हूँ, अगर प्रोफेसर काशीनाथ जी अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आई विल लाइक हिम टू रिस्पॉन्ड टू दिस। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इनका था कि हिस्ट्री हैज बीन रिटन एंड हाउ कैन वी नाउ चेंज इट, एक तो ये पहला सवाल था। जी सर, इज हिस्ट्रीज आर बीइंग रिटन, दैट्स ट्रू, बट व्हाट हैज बीन रिटन, दैट्स द पॉइंट, व्हाट हैव यू रिटन, व्हाट हैव यू रेड। जी सर, इट
if it convinces you that the truth has been written, okay, we accept history is written. But if it does not convince you, if it does not convince you that the truth has been written, then accept that the history from 1947 onwards is the history of Congress government. It is not the history of India. वो है ना मम्मी क्रॉक्स है ये तुम्हारा इट इज हिस्ट्री हाउ कांग्रेस शेप्ड इट हाउ ही लुक्ड एट इट हाउ ही हाउ इट प्रेजेंट हाउ द कांग्रेस प्रेजेंटेड इट इट इज नॉट द हिस्ट्री विच द कॉमन पीपल एज दे अंडरस्टैंड दैट इज द पॉइंट दैट इज द पॉइंट सो दैट इज Then you are not convinced that true history has been written, then you have to rewrite it. This has not been the case only with India. Only with India. Now I'll tell you an example. After the revolution in Iran in 1979, the entire history of modern history of Iran, that's after World War I, has been changed. A new history has been written. Whether that's right or wrong, that's not the issue. The issue is that they felt that we should change the history and they changed it. Why they changed it, that's something else. With us, the question is whether the true history has been written. And the main barometer for understanding the truth or untruth of the history is whether it is rooted in our culture or not. I'll give you a simple example. You have put the name of roads after the Mughals. One of the rulers, who is known to have been a destroyer of temples, Hindu culture, Hindu civilization, an enemy of that culture, yet you have a road in his name. You commemorate him through that road. This is not, I don't find this in any country in the world. I don't find it. So that's what you have to do. The second question is about Sanskrit language. Yes, sir. Yes, you see, English is not your mother tongue, is not our mother tongue. English is the language which the colonialists brought here, but it's an international language and we have to accept it. And actually now they say Indian English, Australian English, or British English, whatever it is. But at the same time, we must have the adequate knowledge, our young people, young scholars must have the adequate knowledge of Sanskrit, because it is the language in which our entire cultural, civilizational fund is preserved. If you want to understand your culture and your civilization, you have to approach it through Sanskrit language. And this language was not given the due what it deserved, how it should have been treated. It has not been. I was in Tehran. My professor, when I submit my thesis and I got a PhD, then my professor asked me, Dr. Pandita, do you know Sanskrit? I said, I'm sorry, sir, I don't know. He said, then this is no use giving you the degree. If you knew Sanskrit, I would appoint you here. We want a man who will teach us Sanskrit, because our root of our language is in Sanskrit. So I mean to say that if we take a step now to introduce Sanskrit in our schools, colleges, universities, then we are doomed. We are doomed. We'll forget our civilization of fun. That's my answer to the second question. Thank you, sir. Thank you so much. Dr. Vignesh ji, hamare sath jude hue hain. Sir, aapko maine unmute kiya, please. Sir. आपका रिस्पॉन्स आपका है और अच्छा।
वो तो कोई भी है जो एग्रीमेंट है साले क्या है, कोई दिक्कत नहीं तो फ्लैट है फ्लैट ही। डॉक्टर विघ्नेश जी, डॉक्टर विघ्नेश जी, सर 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 आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? मेरी बात सुन पा रहे हैं? मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग नहीं रहा कि हालांकि वो जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं। ओके ओके, इससे पहले कि मैं डॉक्टर प्रमोद वाजपेयी जी को मंच पर आमंत्रित करूं कि वो हमारे आज के सभी श्रोताओं और वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापन करें, और उनको मैं ये भी ध्यान में लाना चाहूँगा कि हमारे साथ राघव संजीव घारू जी जो डायरेक्टर हैं महर्षि वाल्मीकि रिसर्च काउंसिल के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीच में, एक तो उनको भी ध्यान में रखें थोड़ा सा। और दूसरा जो मैं एक सूचना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, संस्कृत विभाग के पास इस वक्त काफ़ी फंड्स ऐसे हैं जिनको हमने कलेक्ट किया था हिस्ट्री ऑफ हिंदूज प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उसको मैं सिरे नहीं चढ़ा पाया क्योंकि जब भी मैंने उसके लिए दिशा निर्देशों की खोज करने की कोशिश की तो वो कोई मिले नहीं। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, और आगे भी आप ये बात कह सकते हैं कि यदि आप लोग कोई आर्टिकल्स भेजते हैं हिस्ट्री ऑफ हिंदूज के ऊपर, नॉट हिंदुइज्म, प्लीज़ इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा हिंदुइज्म के साथ, हिस्ट्री ऑफ हिंदूज के ऊपर यदि आप कुछ बुक लिखना चाहते हैं, अगर कोई आप आर्टिकल्स लिखते हैं तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उनको पब्लिश भी करेंगे आपके नाम से, और जो भी संभव होगा वो हम उसके लिए करने को तैयार हैं। मेरे डिपार्टमेंट के पास, मेरे कॉलेज के पास पर्याप्त फंड्स हैं, और संभव होगा तो उसको फिर हम देखेंगे कि कैसे किया जा सकता है, और जल्दी ही इसके ऊपर हम कोई ना कोई एक सेमिनार और अभी कंटिन्यू करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर प्रमोद वाजपेयी जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, और फिर आप मीटिंग छोड़ सकते हैं। सर धन्यवाद डॉक्टर अंगिरस जी, सबसे पहले आपका, आपने मुझे अंत में मौका दिया कि मैं ये जो रस्म है इसको पूरा कर सकूं, और कुछ एक प्रश्न भी आए थे उनको मैं चाहूंगा कि समाहित करने का, कि इसमें बीच में मैं अपनी बात कह सकूं। जो दो शोधपूर्ण वक्तव्य हमारे सामने आए, प्रोफेसर विघ्नेश कुमार जी का और प्रोफेसर काशीनाथ जी का, उसका तो कोई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि उतने शोधपूर्ण और इतने ज्यादा बलवर थे कि मैं समझता हूँ हम सब ने बहुत कुछ आज सीखा है, और एक इस विषय को उन्होंने नई दिशा दी है, नया फलक दिया, नए तरह के आयाम इस विषय में जोड़े, और हम इन्हीं को लेकर, इनके जो नए नए आयाम आज हमारे सामने आए हैं इनको लेकर हम आगे जाएंगे। और आज के जो हमारे मूल दो वक्ता प्रस्तावित थे, प्रोफेसर डॉक्टर ओम जी उपाध्याय फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च न्यू दिल्ली एंड प्रोफेसर जिगर मोहम्मद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, उनको मैं इसके दूसरे चरण के लिए अगले हफ्ते तक रोप इन करने की कोशिश करूँगा, और जैसा कि कुछ प्रतिभागियों ने पूछा कि अगला चरण कब होगा, तो आज डेट तो मैं अनाउंस नहीं कर सकता, ये तो मैं अपने जो वक्ता हैं जिनको मैं चाहता हूं कि उसमें आएंगे, जो आज आने थे एक्चुअली, और वो अगले उसमें अब आएंगे क्योंकि कुछ समय के परिवर्तन के चक्र के चलते ये संभव नहीं हो सका कि वो हमारे साथ जुड़ सकें। तो बाय नेक्स्ट वीक हम लोग इसका दूसरा चरण करेंगे, और जिसमें अगर संभव हुआ तो हमारे बीच में जो आज के प्रस्तावित वक्ता थे प्रोफेसर जिगर मोहम्मद जी फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर डॉक्टर ओम जी उपाध्याय डायरेक्टर रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ICHR, तो ये हमारे बीच में होंगे। एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, कि हमारा जो अभी तक का इतिहास है, खासतौर से भारतीय इतिहास, इसमें लोक कहीं पर नहीं है, और इसका एक हमारे प्रतिभागी ने भी इस मुद्दे को रखा था, और मैंने अपने प्रस्तावना वक्तव्य में भी ये बात कही थी कि जो लोक दर्शन है, लोक जीवन है, उसका दर्शन हमारे इतिहास में नहीं होता, और ये सिंपली एक आक्रमण प्रत्याक्रमण और इसी तरह का इतिहास बन के रह गया है।
तो हम अब चाहेंगे जो इसमें इतिहास के लोग जुड़े हुए हैं और खास तौर से हमारे साथी विभागाध्यक्ष डॉक्टर जो वीरेंद्र ढिल्लो जी, वो इसको आगे लें और अपने जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं और जो बाकी के हमारे साथी इतिहास विभाग से जुड़े हुए हैं, वो लोग इसको ध्यान में लाएं कि हम इतिहास के जो बंद दरवाजे और खिड़कियां हैं उनको कैसे खोलें कि हम सांस्कृतिक, सामाजिक और लोक जीवन का इतिहास डॉक्यूमेंट कर सकें। और एक किसी ने ये प्रश्न आज उठाया है कि साहब स्थान तो मिल जाते हैं लेकिन उन घटनाओं की पुष्टि नहीं हो पाती, तो उनको इतिहास में कैसे सम्मिलित करेंगे। मैं समझता हूँ ये प्रश्न बड़ा समीचीन है और इसका उत्तर विघ्नेश जी को देना चाहिए था, जो संभवतः आजकल तो ये इंटरनेट का और ये टेक्नोलॉजी के बीच में कहीं प्रश्न भी रह जाते हैं हमारे। मैं मानता हूँ कि इतनी मेहनत हमारे इतिहास विशेषज्ञों ने और इतिहासकारों ने अन्य मुद्दों पर की है, उतना शोध और उतना फोकस उन्होंने हमारा जो जिन मुद्दों की या जिन पुराणों की या जो पौराणिक कथाओं की या साहित्यों की जिनकी हम बात करते हैं उनकी खोज में जो करना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जिस हमारे प्रश्नकर्ता ने लिखा था कि महाभारत के स्थान तो मिल जाते हैं लेकिन उनका बाकी का नहीं मिलता, मैं समझता हूँ कि महाभारत पर शोध के लिए मेहनत ही नहीं की गई। ये संस्कृत साहित्य का विषय मानकर और इसमें अलग अलग कभी कोई विदुर की नीति पर कर रहा है, कभी कोई पर्यावरण के उसमें ले रहा है, कभी कोई युद्ध नीति पर कर रहा है, लाइक दैट, इस तरह के छोटे छोटे शोध हुए हैं पीएचडी के छात्रों के द्वारा या एमफिल के छात्रों के द्वारा। लेकिन ऐसा कोई जिस तरह से हम आज एक्सकवेशन करते हैं और आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जाके और हम नई नई संभावनाएं, नए नए इतिहास की पुष्टि करना चाहते हैं, उस तरह का कोई अध्यवसाय मुझे कम से कम मालूम नहीं है, जबकि मैं इतिहासकारों के बीच में पिछले 30 वर्षों से रहा हूं। और मैंने जैसे कहा कि बालाथल खुदाई में हमारे उदयपुर के साथी डॉक्टर ललित पांडे जी और जीवन खरकवाल जी जुड़े हुए थे और पुणे डक्कन कॉलेज पुणे के मिश्रा जी जो इसको देख रहे थे, वो सबके बीच में मैं रहा हूँ और मैंने बहुत सारे इतिहासकारों से काफी चर्चा परिचर्चा की है। और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि जो हमारा जिनको उन्होंने मिथक कह के बिल्कुल पटक दिया है, अलग गड्ढे में डाल दिया है और ऊपर से एक ट्रक मिट्टी भी डाल दी है, तो अगर हम उसको सोचते कि हमें इस पर शोध करना है और इसको हमें प्रतिस्थापित करना है तो निश्चित रूप से रास्ते निकल आते। एक उदाहरण, अभी कुछ दिन पहले ही एक और संवाद में मैं शामिल था और उसको शंकराचार्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रंगाचार्य जी एड्रेस कर रहे थे और उनको मैंने सुना और उन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर बात की थी, ये बुद्ध पूर्णिमा की बात है और वो मैं अपने प्रतिभागियों से शेयर करना चाहूंगा, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अंग्रेज साहब, उन्होंने कहा रंगाचार्य जी ने कि जो भारत का इतिहास लिखा गया उन इतिहासकारों ने ऐसा किया कि बुद्ध के या जो अलग ही धर्म बना दिया और बुद्ध को बिल्कुल ऐसे जैसे कि हिंदू धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई इसका कनेक्शन नहीं है और कोई जैसे एक रिबेलियस रिलीजन इमर्ज हुआ हो अगेंस्ट हिंदुइज्म, इस तरह का लोगों ने परिकल्पना की, जबकि ऐसा नहीं है। और उन्होंने तमाम सूत्रों के द्वारा, तमाम उदाहरणों के द्वारा स्थापित किया कि बुद्ध धर्म का और हिंदू धर्म का कोई आपस में विद्वेष नहीं है। जब हम हाथ में जल लेकर, अक्षत लेकर, लेकर संकल्प पढ़ते हैं तो उसमें भी हम पढ़ते हैं कि जम्मू द्वीप भरत खंडे बौद्धा वदारे। तो सवाल ये है, जहाँ पर हमारे मंदिरों की परिकल्पना ऐसी है कि एक मुख्य देवी देवता होता है और उसमें बाकी के देवी देवता होते, तो उन्होंने कई बुद्ध मंदिरों की परिचर्चा की थी उसमें और उन्होंने बताया कि बीच में उन्होंने बुद्ध को प्रतिष्ठापित किया लेकिन उसके किनारे विष्णु जी के और गणेश जी के और दूसरी प्रतिमाएं भी रखी। तो ऐसा कहीं नहीं है कि हिंदू धर्म का बुद्ध धर्म से विरोध है, परंतु इतिहासकारों ने यह किया है कि पिछले 70-80 सालों में जो इतिहास लिखा गया और कि उन्होंने बुद्ध धर्म को बिल्कुल हिंदू धर्म से अलग प्रतिस्थापित करने की कोशिश की और ये इस तरह का एक आभामंडल बनाया गया कि जैसे बुद्ध धर्म तो हिंदू धर्म के खिलाफ है और जिसको हिंदू धर्म से नाराजगी है वो बुद्ध धर्म में चला जाए, और इसकी शुरुआत अंबेडकर और उनके हुई थी, मैं राजनीतिक कारणों में नहीं जाना चाहता। इशू ये है
कि हमारे इतिहास को, जैसे मैंने पहले भी इंगित किया था कि वैचारिक एक इतना हमारे ऊपर आवरण है कि हम उस वैचारिक आवरण से उभर नहीं पाते और फिर वो लोग अपने को लिबरल और प्रोग्रेसिव कह देते हैं। मैं कहता हूं कि रिसर्च का बेसिक फंडामेंटल है, एंड आई एम ए सोशल साइंटिस्ट बाय दैट थीसिस आई कैन से दैट रिसर्च का बेसिक फंडामेंटल है यू शुड बी इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड, सो आर द हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल रिसर्चेस। अगर आपके दिमाग में एक इबारत है, हाइपोथेसिस है, और उसको आप प्रतिस्थापित ही करना चाहते हैं, तो फिर आप रिसर्च करने क्यों गए हैं? उसको कुछ भी उदाहरण करके आप प्रतिस्थापित कर दीजिए। वो यही रहा है कि पिछले 80 सालों में भारत का जो भी प्रतिस्थापित करना है वो प्रतिस्थापना कर दी गई। हम अभी भी कह रहे हैं, और रंगाचार्य जी के शब्दों को मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं चुनौती देता हूँ अगर कोई इंडिपेंडेंट इतिहासकार ये प्रूव कर देगा कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के खिलाफ है या हिंदू धर्म से अलग है। तो आप ये देखिए कि किस प्रकार की कोशिश हुई है। ये जो हमने अभी मिथक मिथोलॉजी का एक वर्ड दिया था, हमको इसको एक ओरिएंटल लिटरेचर की बात करनी चाहिए कि जितना भी हमारा देशज लिटरेचर है, हमारे तमाम भाषाओं में लिखा गया है, उस सबको समाहित करके और उस पर शोध किया जाना चाहिए। बिकॉज द हिस्टोरिकल रिसर्चेज आर रिसर्चेज विद रिवर्सल। हम पास्ट में घटित हुई चीजों पर शोध करते हैं, तो हमारे इतिहास में भी जो पास्ट के घटनाक्रम का अंकन किया गया है या उसका अंकन किया गया है, तो हम उस पर शोध क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको हम फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? हिस्टोरिकल हिस्टोरियंस ने इसको हिकारत की नजर से क्यों देखा अभी तक? हम इसी सवाल को और इसके साथ में और दूसरे सवालों को जिसको मैंने अभी लिया है कि लोक जीवन क्यों नहीं है इतिहास में? क्या वो कसौटियां जो बाकी का इतिहास लिखने में लगाई गई है, वो कसौटियां भारत के वांग्मय पर लगाई गई हैं और बाद में उनको रिजेक्ट किया गया है, या यूं ही उनको प्राइमरीली प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन करके रिजेक्ट कर दिया गया? तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम आगे वाली कड़ी में जाएंगे, और डॉक्टर ओम जी उपाध्याय और प्रोफेसर जिगर मोहम्मद के साथ में इनकी हम चर्चा करेंगे, और अगले हफ्ते तक हम इन मुद्दों पर और चर्चा कर पाएंगे। मैं आप सभी को पुनः आमंत्रित करता हूं कि आप अगले जो इसका दूसरी वेबिनार होगी उसमें भी शामिल हों और अपने सवाल जवाब से इसको और पुष्ट करें। आपके कई प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है, लेकिन जैसा कि एक हम लोग कम ज्ञान वाले लोग हैं, एक पढ़ते पढ़ाते पढ़ाने वाले लोग हैं, तो हम कहते हैं हर प्रश्न का जवाब नहीं हो सकता, ये हमारा पहली संकल्पना है। अगर कोई ये सोचे कि यहाँ पर कोई हर सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम है, तो ये कभी भी नहीं होता। इसलिए जिन सवालों के जवाब नहीं आए हैं, आपके मन में वो सवाल उभरे हैं, उनको आप इसका जब रिकॉर्डिंग जारी होगी YouTube पर या Facebook पर, तो वहां पर भी लिख सकते हैं, और हम उन बहुत सारे सवालों को संकलन करके आगे ले जाएंगे, और अगली कड़ी में हम इन पर जरूर चर्चा परिचर्चा करेंगे। और अगर आपके प्रश्न इस बिटवीन आ गए इतवार से संडे से पहले, तो हम अपने अगले वक्ताओं को आपके प्रश्न अग्रसारित कर देंगे और उनको कहेंगे कि इनके जवाब जरूर अपने वक्तव्य में अनुग्रहित करें। तो इन्हीं के साथ में मैं आपकी इस सभा का समापन की घोषणा करता हूं, और आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, विशेष रूप से हमारे जो आमंत्रित वक्ता थे, और भाई डॉक्टर आशुतोष अंग्रेज जी का तो धन्यवाद मैं शब्दों में कर नहीं सकता, वो शायद हमारी भावनाएं उनके तक संप्रेषित हो रही हैं, वो समझ सकते हैं कि मैं कितना अनुग्रहित हूँ उनके लिए, उनके सहयोग के लिए। मैं कॉलेज की सभी पूरी टीम को, जितने भी हमारे साथी इसमें जुड़े हुए हैं, और खासतौर से मिस्टर लखपत सिंह जी ने जो इसके आयोजन में दिन रात लग के मदद की है हमारी, उनकी, और हमारे इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र ढिल्लो, और हमारे IQHC सेल की मुखिया डॉक्टर करुणा, और हम इन सभी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसको संभावित किया और हम लोगों ने मिलजुल के अच्छी चर्चा की है, और इन प्रश्नों को हम मरने नहीं देंगे। ये एक व्यापक प्रश्न है और ये हमारे सामने हमारी अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और हम अपने अस्तित्व को अगर मरने देंगे, इतिहास को मरने देंगे, तो हम अपने अस्तित्व को मरने देंगे। तो ना तो हम
अपने इतिहास को मरने देंगे ना हम अपने अस्तित्व को मरने देंगे, और इसको हम अगली कड़ी में बाकी के मुद्दे चर्चा में लाएंगे। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न हमारे फेसबुक पर, हमारे जहां भी यूट्यूब का इसको हम डालेंगे वहां पर आपके आएंगे। हमारा चैनल है एक महाराजा अग्रसेन कॉलेज के नाम से, वहां डालेंगे तो वहां पर आप प्रश्न डाल सकते हैं, और हमारे जो फेसबुक पेज है महाराजा अग्रसेन कॉलेज का वहां भी आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं, फिर हम उनको संकलित करके आगे के लिए ले जाएंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं धन्यवाद जरूर ज्ञापित करना चाहूंगा अपने मित्र का, और बहुत ही प्रबुद्ध जो विचारक हैं इतिहास में, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ढिल्लों जी का। ये वस्तुतः है उनकी ही उपज थी, उनका ही है, मैं तो एक केवल स्टेपनी के रूप में काम कर रहा हूँ यहाँ पे। वो पता नहीं आज एक धन्यवाद रह गया है मेरी तरफ से, और वो आपके प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र राणा जी का, जिन्होंने अपना ये हमें प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जिस पर हम बड़ी आराम से चर्चा कर पाए, जिसमें हमें समय की कोई पाबंदी नहीं है और नंबर्स की भी पाबंदी नहीं थी, इसमें 1000 से तक लोग शामिल हो सकते थे और उसके बाद में हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते थे। तो आखिरी कड़ी में आप ज्यादा लोग जुड़िए, और हम कोशिश करेंगे कि फेसबुक और यूट्यूब पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हो अगर जरूरत हो, और इसके माध्यम से ज्यादा चर्चा हो जाएगी। तो हमारे साथ इसमें अभी जुड़े नहीं हुए हैं परंतु गिरधर गोपाल जी का, जो यहाँ के कॉलेज के कंप्यूटर के साथी हैं हमारे, और डॉक्टर राजेंद्र राणा जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पर दोबारा सोचने का मौका नहीं दिया हमें, तुरंत उन्होंने एक तरह से जैसे अभयदान होता है वैसे दे दिया कि डॉक्टर साहब कोई बात ही नहीं है, इस समय पर आप कर लीजिए। ठीक है सर, तो उनका भी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बस अंतिम ये एक बार पुनः मैं सूचना दोहरा रहा हूँ, यदि आप में से कोई भी कोई रिसर्च पेपर लिखता है या किसी के पास कोई ऐसी सामग्री है जिससे कि हिस्ट्री ऑफ हिंदू लिखा जा सकता है, तो उसके लिए आप सभी का स्वागत है, और अगली और सूचनाओं के लिए आप लोगों को आपकी ईमेल्स पे, और नहीं है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अगली आने वाले अपकमिंग सेमिनार्स के लिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। नाउ एवरीवन कैन लीव द मीटिंग नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर पंडित जी, काशीनाथ जी सर बहुत बहुत आभार आपका, डॉक्टर विघ्नेश जी सर थैंक यू सो मच, प्रमोद जी धन्यवाद। हाँ आपका भी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और खास तौर से हमारे दोनों वक्ता हमारे डॉक्टर विघ्नेश जी, सवेरे जब मैंने उनसे बात की तो मैं इतना खुश हुआ उनसे बात करके कि उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी निराश नहीं होने दिया, और डॉक्टर पंडिता जी का तो हमारे ऊपर एक तरह से बरद हस्त है, वो अग्रज की तरह से हमेशा अपना हाथ हमारे सर पे रखते हैं, इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की गहराइयों से। राइट सर, सो राइट सर।